हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रिवीजन प्लान फॉर स्टैटिस्टिक्स। रिवीजन प्लान फॉर स्टैट, अकाउंट का रिवीजन प्लान तो दे चुका हूं, करवा भी चुका हूं। अब एक बात सोचते हैं, सब लोगों को लगता है स्टैटिस्टिक्स आसान है, है आसान नो डाउट, लेकिन जो स्टूडेंट बेचारे थोड़े वीक हैं या ज्यादा ब्रिलियंट भी है, उनकी गलतियां, छोटी छोटी गलती मैक्सिमम मार्क्स काट सकती है। और वो कहाँ होती है जिसको हम लोग लाइटली लेते हैं। अब आप लोग लाइटली क्या लेते हो, ध्यान से सुन लो। आप लोग क्या सोचते हो, सर जी सेक्शन एफ 20 मार्क्स का होता है, चार चैप्टर करो यानी 20 मार्क्स क्लियर, 5 5 5 5 ऐसे चार क्वेश्चन पूछते हो जो हमको आते ही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, आप लोग उसमें छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे ना, पूरा आंसर गलत हो जाता है, यानी पीछे के आंसर नहीं आते। और इस वजह से जो सिर्फ इस पे डिपेंड रहते हैं कि 20 मार्क्स तो फिक्स नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स क्या पास होने के लिए इतना काफी है, या तो क्या ये करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करके? नहीं, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देना हो तो भी एंड पास होना हो तो भी सिर्फ ये नहीं चलेगा। जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं वो क्या सोचते हैं, सर ये एमसीक्यू और बीएसक्यू 20 मार्क्स ये है, ये 20 मार्क्स है, 35 33 तो ला देंगे। नहीं आता है भाई। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज तक का आपका जो एक्सपीरियंस हो चुका है, अगर आप सिर्फ ये दो और ये एक पे डिपेंड हो और पास होना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल था और आगे भी हो सकता है। तो ये मुश्किल ना हो, ये मुश्किल ना हो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा सेक्शन सी डी एंड ई। आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए, ये तीन सेक्शन आपको आने चाहिए। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो आप इस पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको ये तीन करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको थोड़ा प्लान बताना चाहता हूं, ज्यादा मेहनत नहीं लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो कर लो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोई भी पेपर बनता है तो उसमें 20% मान लो बहुत हार्ड निकालेंगे, होता नहीं है मान लो, फिर भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं बता रहा हूं हर चैप्टर को 100% कर, लेकिन जो चैप्टर सी डी ई में आते हैं उसमें से कुछ चीजें तो कॉमन है जिसको करके आप मार्क्स ला सकते हो। तो कैसे आएंगे, देखो सेक्शन सी 20 मार्क्स, सेक्शन डी 24, सेक्शन ई 16, टोटल अगर इसका करोगे तो 60 मार्क्स होते हैं। अब मैं 60 की बात नहीं करूंगा, समझ लो ये सेक्शन सी है उसमें 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते, छोड़ दो भाई नहीं आते तो नहीं करना है। 5 तो ऐसे आएंगे जो आपको आएगा ही, मान लो 50-50% पेपर निकल रहा है, 50% हार्ड 50% इजी, होता नहीं है, मैक्सिमम इजी होता है 80% तक। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर सेक्शन डी है 8 क्वेश्चंस पूछते हैं, 8 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस आते हैं, 3 एग्जाम में नहीं आते हैं, डोंट वरी वो 5 परफेक्ट करो, 15 मार्क्स हो जाएंगे। यहां पे 5 क्वेश्चन करोगे 10 मार्क्स, यहां पे 5 क्वेश्चन करोगे 15 मार्क्स। एंड लास्ट ई सेक्शन में 4 क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो 2 ही आते हैं, कितने मार्क्स, 8 मार्क्स। अब स्टूडेंट सोचो, यहां पे 10 मार्क्स, यहां पे 12 मार्क्स, सॉरी आपने 5 क्वेश्चंस को आना है, यानी 15 मार्क्स, 10 प्लस 15 25, और लास्ट में यहां पे आपके 25 प्लस 8, सोच लो 33 पास हो गए। आराम से आपके पासिंग मार्क इसमें से निकल जाएंगे, अगर इसमें मेहनत की तो अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट सिर्फ इस पे डिपेंड मत रहो, क्यों पता है, ये मार्क्स खो भी सकता है, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस भी बोलेंगे कि हाँ इसमें से सिर्फ पास करना हो तो नहीं हो सकते।
और इसमें से अगर मेहनत कर ली तो हम लोग 110% क्लियर हो जाएंगे। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे ये तीन को क्लियर करने की, क्योंकि इसमें आपके पास थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस है और इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, जो अकाउंट में आप समझ चुके हो। तो स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करेंगे ये तीन सेक्शन। और एक बात बता देता हूं, मेरे लेक्चर आपको यहां तो मिलेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हो कि सर मुझे ये तीन सेक्शन के बारे में बात करनी है, आपके साथ डिस्कशन करना है, लाइव लेक्चर लेना है, और लाइव लेक्चर में हम लोग एक दूसरे के साथ बात करके पूरा डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे आराम से, अगर ऐसे लेक्चर भी चाहिए तो कमल सर जूम लाइव लेते हैं जिसमें 1-to-1 बात कर सकते हैं, तो वो जूम लाइव लेक्चर भी हम अरेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो YouTube पे जो भी मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये तो मिलेगा ही, देखते रहिए और दूसरों को भी भेजते रहिए। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो सर CDE ये सेक्शन जब आप पढ़ाओ, हमारे साथ डिस्कशन करके पढ़ाओ, हम आपको एक्सप्लेनेशन दो, तो मैं आपको वो एक्सप्लेनेशन देने को तैयार हूं। आप सब लोगों को लगेगा कि सर इतनी सारी फीस लेंगे, नहीं बेटा नहीं, सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। आप कोई भी बुक परचेस करने जाते हो ना, तो आपको 200-250 रुपीस में बुक मिलता है। मैं बुक नहीं दूंगा, बुक के साथ ये CDE जो है, आपके जो बुक है उसका CDE जो है, जो पेपर्स में आता है, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस है, उसको सॉल्व करवाऊंगा लाइव, जिसमें आप खुद क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीस, इतना सारा खर्चा होटल में जाके कर सकते हैं, तो 250 रुपीस आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन लाइव लेक्चर पढ़ोगे, समझोगे, सिर्फ किताब में देखना नहीं है, उसको समझने का काम भी करवाऊंगा। तो ये जो मार्क्स है ना, इसको 50% मार्क्स कवर करने की अगर कोशिश करें तो कैसे हो सकता है? अगर लाइव पढ़ना है तो कांटेक्ट करो, आपका लाइव शुरू हो जाएगा ओनली इन 250 रुपीस, यानी 250 रुपए की बुक खरीद सकते हो उसमें। मैं तो पढ़ा रहा हूं भाई। अच्छा, YouTube लाइव तो रहेगा ही, जहां पे मैं अकाउंट का जो एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं वैसा ही स्टैटिस्टिक्स का भी दूंगा। तो मिलते हैं, वेट करो नेक्स्ट लेक्चर की, और 100% एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करो। बाय। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने कल बात की थी कि आप सब लोगों को स्टैटिस्टिक्स में सेक्शन CD अगर क्लियर हो रहा है तो 60 मार्क्स का क्लियर होगा, लेकिन मान लो 60 नहीं हो रहा है तो उसमें से 33 तो आएंगे ही, तो वो स्टेप लेने के लिए आगे हम आज बढ़ेंगे। तो बोर्ड पे मैंने बहुत सारा लिख के रखा हुआ है, ये है चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर, जो आप लोगों को आसान लगता है। अब थोड़ा कंपैरिजन करते करते आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्या लिखा है देखो, मार्च 18 में जो क्वेश्चन पूछा था सेक्शन सी में, वो है 2 मार्कर क्वेश्चन। सेम वे यहाँ पे मार्च 20 में वही 2 मार्कर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछते हैं वो है। जुलाई 18 का क्वेश्चन लिखा है, जो जुलाई 18 में क्वेश्चन था वही जुलाई 19 में, मार्च 19 में भी वैसा ही क्वेश्चन था, तो एक ही लिखा है, तीनों क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। आगे बात करें तो मार्च 19 में जो क्वेश्चन है वो भी लिखा हुआ है, और मार्च 18 का एक क्वेश्चन है जो सेक्शन डी की बात है, ये सेक्शन सी है और ये सेक्शन सी है, ये सेक्शन डी है, तो सेक्शन डी में जो क्वेश्चन था वो लिखा है। इन शॉर्ट, सी और डी में कौन से टाइप के क्वेश्चन है उसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, एक लेक्चर लेकिन मैक्सिमम रिपीटेशन। तो सोचो कि आप सब लोगों को ये तो पता है, जब सेक्शन एफ करते हैं तो लास्ट पर पास एफिशिएंट इंडेक्स नंबर फाइंड करो, तो 5 मार्क्स में ही होता है जनरली, कोई भी पेपर उठा के देख लो। अब सेक्शन CD में वो क्या करते हैं, फैमिली बजट मेथड, ये सिग्मा IW / σw,
ये रहा सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये भी है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये 2 मार्क्स में था और ये 3 मार्क्स में था, कहीं ना कहीं फैमिली बजट था। और अगर इसकी बात करें तो इन्फ्लेशन रेट, अगर इन्फ्लेशन रेट फाइंड करना है तो 3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ये सब सीख लेंगे। लास्ट ईयर पास है फिशर का भी एक छोटा सा सम, शॉर्ट सम आ चुका है, वो भी देख लेंगे। फैमिली बजट सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू देख लेंगे। और दूसरा नॉर्मल ये है कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस टू चेन बेस, फिक्स बेस में से चेन बेस में कन्वर्ट कैसे करना है वो सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पहला क्वेश्चन है मार्च एडी, व्हाट इज गिवन एक्चुअली, लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर। दिस सेंटेंस इज गिवन इन इन क्वेश्चन। Now what it means, last pair index number means IL is 8 upon 9 times, times means multiplication of Fisher. So how we can write IL is equal to 8 by 9 times means multiplication of IF. So IL is equal to 8 by 9 into IF. Then second thing, IF is equal to 180, Fisher index number is 180 given. Find partial index number. This is a question. So, students, we know IL is equal to 8 upon 9 IF. Replace Fisher index number 180 in this function. So, IF is equal to 180, 8 by 9, 8 by 9 to 180, answer is 160. Last pair index number is 160. That's it. Your answer for last pair is 160. Now, you have two values. One is last pair, second is Fisher. Now on the basis of two value, we can find third value because last pair pass and Fisher three are connected. We know formula of Fisher index number, under root last pair into pass. Now replace values in the given formula. So Fisher index number 180, under root last pair index number 160 into IP as it is. Now to cancel this root, अगर ये root sign को cancel करना है तो यहाँ पे square कर दो, तो root cancel. 180 square is equal to 160 into 1 I, into IP. अब IP के साथ 160 multiplication में है, उसका side change करो, तो 180 square 32,400 divide by 160, answer is IP. So IP is equal to 202.5. Simple, 2 marker question, 2 mark आपके, एकदम आसान question है, नहीं है hard, बहुत आसान है। आगे बात करते हैं और next जुलाई 19 में जो क्वेश्चन है वो जुलाई 18 जैसा है, यहां पे 18 लिया है। फाइंड इन्फ्लेशन रेट। नाउ स्टूडेंट्स टू इंफॉर्मेशन गिवन, इन 2015 इंडेक्स नंबर इज 177.6, 2016 181.2, फाइंड इन्फ्लेशन रेट, दैट्स इट। नाउ सिंपल फॉर्मूला फॉर इन्फ्लेशन, फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरी इजीली, we can say current year minus current year divided by current year into 100. जो current year है 2016 यहाँ पे लेते हैं, 2015 की comparison करना है, तो 2016 में जो index number है उसमें से 2015 का index number minus करो, divided by 2015 index number into 100. इतना याद रखो, यानी 2 marks fix, simple है। तो 2016 में क्या है, 181.2 minus 177.6 divided by 177.6 into 100, answer is 2.030, your index number 2 marker. क्वेश्चन 2 मार्क आपके, सिंपल है। तो स्टूडेंट्स फिशर डन, ये इन्फ्लेशन रेट डन, और तीसरा फैमिली बजट मेथड उसको भी कर लेंगे फटाफट। मार्च 19 उसमें कन्वर्जन है फिक्स बेस टू चेन बेस, वो बाद में कर, पहले ये करेंगे फैमिली बजट मेथड। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, मार्च 18 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था सेक्शन डी में। तो क्या है, आप लोगों को दिया है आइटम्स वीट राइस बाजरा तुवर दाल, 2010 एंड 2014 इंफॉर्मेशन, 2010 पास्ट हो गया, 14 लेटेस्ट हो गया। तो आपको थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए क्या, अगर 2014 की बात हो रही है तो लेटेस्ट है यानी 1, उसके लिए अगर प्राइस है तो P1, क्वांटिटी है तो Q1, 2010 है उसका प्राइस है तो P0, क्वांटिटी है तो Q0, तो आपको यह दिया हुआ है, तो ये अवेलेबल है। अब इसका यूज करके मुझे W और I फाइंड करना है, I मीन्स इंडेक्स नंबर पर्टिकुलर आइटम का,
जो आप सीख चुके हो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे तो फटाफट रिविजन हो रहा है, पहले डिटेल में बता चुका हूँ हर चीज। और यहाँ पे W इज इक्वल टू पी जीरो क्यू जीरो, तो ये पी जीरो और क्यू जीरो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 900, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन 1280, ये दोनों मल्टीप्लाई 180, ये दोनों मल्टीप्लाई 1250, तो ये हमको मिला सिग्मा W, टोटल का सिग्मा W, W इज इक्वल टू पी जीरो क्यू जीरो, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर इज कंसिडर एज W, बेस ईयर का टोटल एक्सपेंस जो है वो W है, लिख दिया W, I means P1 upon P0, ये रहा P1 और P0, 18 upon 15 into 100, 120, 40 upon 32 into 100, 125, 14 upon 12 into 100, 116.7, 70 upon 50 into 100, 140, that's it, ये आपका है I, index number जो आपको लेना पड़ेगा, तो ये index number है, ये W है, weight, IW, I यानी ये 120 into 900, multiply, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ये आंसर है, इसका टोटल है सिग्मा आई डब्ल्यू, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू मीन्स 464.6 डिवाइड बाय 36.10, आंसर इज 128.53, दैट्स इट, 3 मार्क्स आपके। अब स्टूडेंट सोच के देखो, ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में था मार्च 20 में, ये भी फैमिली बजट है, ये 2 मार्क्स में था, ये 3 मार्क्स में था, 3 मार्क्स में है तो ये कैलकुलेट करना पड़ा, और जब 2 मार्क्स में है तो ऑलरेडी गिवन, इफ परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम्स ए बी सी इज 315, 328, 390, आपको इंक्रीज परसेंटेज दे दिया है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आपको यहां दिया है आइटम ए बी सी इंडेक्स नंबर हाउ मेनी परसेंट इंक्रीज सर 315, 100 प्लस 315 परसेंटेज 415, 100 प्लस 328 परसेंटेज 428 एंड 390 इंक्रीज, 100 प्लस 390 परसेंटेज 490, सो योर इंडेक्स नंबर इज 415, 428, 490, ये तीन इंडेक्स नंबर मुझे मिल गए, एंड इट्स वेट रिस्पेक्टिवली 578, उसका वेट भी दे दिया, इंपोर्टेंस दे दिया, अब ये सीधा दिया है, यहाँ पे W फाइंड नहीं करना है और I इजीली फाइंड हो सकता है, तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, करना क्या है, आई डब्ल्यू अपॉन W, ये आई डब्ल्यू का मल्टीप्लाई किया है, आई डब्ल्यू अपॉन W आंसर इज 449.55, खत्म सा, ये 2 मार्क्स में था, ये 3 मार्क्स में है, दोनों में से कहीं एक जगह पे तो है, तो स्टूडेंट्स 3 टाइप्स के क्वेश्चन कवर हुए हमारे, फिशर की फॉर्मूला भी हो गई, लास्ट पर पासे फिशर, दोनों में से कुछ भी एक दिया है तो दूसरा हो सकता है, सेम वे यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया, 3 बार पूछा गया है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग फैमिली बजट हो चुका है, लास्ट थिंग ये कन्वर्जन, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर, अगर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अवेलेबल है तो उसको चेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स डोंट वरी, बहुत आसान है, चेन बेस सिंपली फाइंड करना हो कि आपको कन्वर्जन करना हो, मेथड सेम, खास ध्यान क्या रखना है आपको, बेस ईयर इंफॉर्मेशन है या नहीं, यहां पे मार्च 19 में बेस ईयर 7-8 दिया है, टेकन 7-8 एज अ बेस, यानी वो 7-8 हमारा बेस है, तो ये जो 8-9 दिया है उसका इंडेक्स नंबर सेम रहेगा, क्योंकि 7-8 तो पहले वाला है, वो बेस है, वो 100 है, यहां पे क्या है ये सेम, ये ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बेस ईयर नहीं दिया होता तो यहां पे मैं 100 से शुरुआत करता, सिंपल, चलो तो आगे बढ़ते हैं, तो 117.4 एज इट इज, अब बात करेंगे इसके लिए, 118 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 117.4 इनटू 100 आंसर इज 100.51, सेम वे 121.3 डिवाइड बाय 108 इनटू 100 102.8, 125.1 divided by 121.3 into 100, answer is this, 128.4 divided by 125.1 into 100, 102.64, तो ये हो गया आपका chain based index number, अब सोचो, fixed based index number is available, on that basis we are finding chain based index number, तो भी current year divided by previous year into 100, तो क्या current year fixed base divided by previous year fixed base into 100, अगर यहाँ पे प्राइस होता तो करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100, तो जो भी करो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए सेम रहेगा, तो यहाँ पे हमने जितने भी सम्स किए ये सब में क्या है, तो मैक्सिमम चीजें फैमिली बजट मेथड, लास्ट पर पास फिशर का ये शॉर्ट सम, इन्फ्लेशन रेट, और पेपर्स चेक करो जो नया है, कमल सर से पूछ सकते हो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये क्लियर किया, कितने मार्क्स की तैयारी करवा रहा हूं स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 मार्क्स, ये 2 मार्क के लिए बात की हमने,
नेक्स्ट लेक्चर में आगे और बात करेंगे। मीट यू, बाय। हाय स्टूडेंट्स, आज आप सब लोगों को चैप्टर नंबर 2 कोरिलेशन, 2 मार्क और 3 मार्क्स क्या आता है, कैसे आता है, सब क्लियर करते हैं और फटाफट सम क्लियर करते हैं। तो देखो ध्यान से, मार्च 18, 20, 22, जुलाई 18, अगस्त 20, ये 5 बार सम पूछा गया 2 मार्क्स में सेक्शन सी, जो सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड था, R is equal to covariance of xy upon sx into sy। अगर ये आता है तो 5 बार सम आप कर सकते हो, यानी पूछ चुके हो लोग। आगे बात करें मार्च 19 मई 21 में, उसमें दूसरी फॉर्मूला थी सिग्मा x में xy y minus sx upon n into sx into sy। ये दूसरी फॉर्मूला R correlation coefficient find करने के लिए। तीसरी फॉर्मूला जुलाई 19 में, सिग्मा xy minus n x bar y bar upon n sx and sy। ये 3 फॉर्मूला जनरली शॉर्ट सम्स में काम आती है और ये तीनों फॉर्मूला को ये अलग अलग इयर्स में पूछ चुके हैं। और बड़ी बात है कि मैक्सिमम ये फॉर्मूला से सम हुआ है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है दिया क्या है, और ये 3 फॉर्मूला अगर याद कर लेते हो तो 2 मार्क तो मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा नहीं पूछा है कुछ। अगर 3 मार्क्स की बात करें तो ये फॉर्मूला रैंक कोरिलेशन वाली फॉर्मूला 3 मार्क्स में आया ही आया है। एक बार तो 2 मार्क्स में भी आया था, 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसमें सीएफ नहीं था। मैंने ग्रीन कलर से लिखा है सीएफ, सीएफ है तो लगाओ, नहीं है तो मत लिखो। अब कब लिखना है कब नहीं लिखना है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी लेक्चर में, तो ध्यान से देखते रहिए ये लेक्चर, परफेक्टली देखिए 3 और 2 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो सेक्शन सी है और ये जो होता है वो सेक्शन डी में आता है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मार्च 20 और 22 में था, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है जिसमें रेक्टिफिकेशन था तो यही, लेकिन उसमें डी को रेक्टिफाई करना था, यानी हमको डी कैलकुलेट करने में कुछ मिस्टेक हो गई है, करेक्ट डी कुछ और था, हो गया है कुछ और, तो डी स्क्वायर गलत होगा, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। 2 बार मार्च 20 और 22 में ऐसा अलग क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग नॉर्मल बात करेंगे, कौन सी नॉर्मल बात, ये 3 फॉर्मूला जो शॉर्ट सम्स में काम आती है जनरली, और दूसरा ये 3 मार्क्स में होता है वो। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ये सब टाइप का कवर करते हैं। तो सेक्शन सी में मार्च 18 में क्वेश्चन था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई रेशियो एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2:5, एस एक्स रेशियो एस वाई इज इक्वल टू 3:2। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब ये एस एक्स का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एस वाई मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एस एक्स स्क्वायर मीन्स वेरियंस। ये आपको माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर से बहुत सारे सम हम कर सकते हैं, इवन चैप्टर नंबर 3 में भी काम है। तो बात करेंगे आगे कि देखो ये दोनों जो दिया है रेशियो उसको लिखते कैसे है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये दोनों को डिवाइड करो, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर 2/5। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 2 है, एस एक्स स्क्वायर 5 है, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर ये गलती की सम गलत। आगे बात करेंगे एस एक्स अपॉन एस वाई, एस एक्स अपॉन एस वाई 3/2। तो ये दोनों मुझे दिया है ऐसे है, लिखते ऐसे है, ये प्रेजेंटेशन आ गया तो गलती होने के चांसेस कम है। कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान से देखना क्या है, यहाँ पे एस वाई आगे देते हैं, एस एक्स पीछे देते हैं, एस वाई रेशियो एस एक्स, तो ऊपर एस वाई नीचे एस एक्स 3:2, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर उल्टा दिया है तो क्या लिखना है। इनसे जो पहले दिया है वो ऊपर है, जो पीछे दिया है वो नीचे है। अब मुझे ये 2 अवेलेबल है, कोवेरियंस का यूज हो रहा है, तो सर कोवेरियंस वाला एक ही फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे कोवेरियंस नहीं है, यहाँ पे कोवेरियंस नहीं है, यहाँ पे कोवेरियंस नहीं है, तो एक ही तो फॉर्मूला है, तो इसी से सम होगा, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये तो फिक्स हो गया। अब इन दोनों को सेट करना है, देखो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एस एक्स स्क्वायर, नीचे सिर्फ एस एक्स चाहिए, यहाँ पे एस एक्स अपॉन एस वाई है। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं,
कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर इनटू एस एक्स अपॉन एस वाई। देखो एस एक्स एक बार कैंसिल, नीचे एक बार एस एक्स, हाँ एस एक्स इंटू एस वाई कोवेरियंस। अब ये फॉर्मूला मेरा इसके जैसा बन जाता है अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो। कभी कभी मैंने जैसे बताया ये दोनों इनवर्स दिया है, एस वाई ऊपर एस एक्स नीचे, तो आपको उसको इनवर्स करना पड़ेगा ऊपर नीचे। अगर एस वाई अपॉन एस एक्स दिया है तो आपको एस एक्स अपॉन एस वाई करो और फिर सम करना शुरू करो, क्योंकि करना तो मल्टीप्लाई करके ही है। और कभी कभी एस वाई स्क्वायर नीचे दिया हो तो एस वाई अपॉन एस एक्स करोगे, एस वाई कैंसिल हो सकता है, फिर भी हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा सेट कहाँ हो रहा है। ये तो ईजी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसकी जो वैल्यूज है 2/5 इंटू 3/2 आंसर 0.6, सम खत्म, 2 मार्क्स आपके। अब ये सब कितनी बार आ चुका है, 1, 2, 3, 4, 5 बार आ चुका है, करना क्या है यही। कभी कभी सीधा दे देते हैं कोवेरियंस ये, एस एक्स ये, एस वाई ये, काम खत्म। कभी कभी देते वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस यानी एस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर दिया हो तो रूट कर लो, मिल जाएगा आसानी से। तो ये फास्ट रिविजन है ना, इसलिए फटाफट बता रहा हूं आपको क्या करना है। ये सब में तो इतना ही करना है। नेक्स्ट सम जुलाई 19 में, उसमें एन इज इक्वल टू 10, एक्स बार वाई बार दिया है, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, एस एक्स एंड एस वाई। अब सोचो यहां पे कहीं कोवेरियंस की बात नहीं है, ठीक है, कहीं कोवेरियंस नहीं है, लेकिन एस एक्स एस वाई है, सिग्मा एक्स वाई है। तो ये रहा फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स एस वाई। अब ये फॉर्मूला को याद कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये लेक्चर में तो सिर्फ सम कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमने रख दी, सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू 90,000 माइनस एन 10, एक्स बार वाई बार 161 ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.8, खत्म बात, 2 मार्क्स आपके। सम में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, अगर ये तीन फॉर्मूला आती है तो शॉर्ट सम 2 मार्क्स में क्लियर हो गए। ये एक फॉर्मूला आता है, इसको कैसे यूज करना है आप सीखेंगे, 3 मार्क और क्लियर हो गए, काम खत्म, 5 मार्क मिल जाएंगे आराम से। तो 2 मार्क तो स्टैटिस्टिक्स में कर चुके थे इंडेक्स नंबर, और 5 चलो 2 सम क्लियर। नेक्स्ट वन मार्च 19 में जो सम पूछा है वो, मार्च 19 में क्या है सर, एन इज इक्वल टू 10 सिग्मा एक्स माइनस वाई माइनस वाई बार अपॉन एस एक्स एस वाई। अब फिर से एस एक्स एस वाई है, तो ये वाला फॉर्मूला जिसमें सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई बार है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 60 एंड 10 एस एक्स 5 एस वाई 6। इसको सॉल्व करो आंसर 0.2, सम खत्म, 2 मार्क्स आपके। अब ये कितनी बार आ चुका है सर जी, तो ये 2 बार सम आ चुका है। और लास्ट मई 21 जो इसके ऊपर बेस्ड है, ये भी 2 मार्क्स में था, n इज इक्वल टू 8 सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 126। अब आप बोलोगे सर ये आर एक्स माइनस आर वाई क्या है, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, ये है डिफरेंस डी स्क्वायर, ये सिग्मा डी स्क्वायर दिया है इनडायरेक्टली, और इंफॉर्मेशन अबाउट 8 पर्टिकुलर सिचुएशन, 8 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स और वॉट एवर इज गिवन, सो एन इज इक्वल टू 8, काम खत्म। यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे प्लस सी एफ नहीं है, क्यों नहीं है आगे पता चलेगा, अभी नहीं है तो नहीं रख रहा हूं। 1 as it is, 6 as it is, sigma d square 126 upon n square minus 1, n is 8, 8 square minus 1, solve करोगे, answer आएगा minus 0.5। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सर ये 1 को as it is रखो, solution पीछे वाले का लाओ, पीछे वाले का solution 1.5 है, अगर 1 में से 1.5 minus करूँगा तो answer आएगा minus 0.5, बस काम खत्म। ये 1 में से बाद में minus करना है at last, सब solve करने के बाद। कभी कभी स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, 1 में से ये ऊपर वाला माइनस करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, काम खत्म, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स का काम खत्म हुआ। अब बात करते हैं 3 मार्क्स में। अब 3 मार्क्स में मैं सीएफ वाला सम ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, अगर सीएफ आ गया तो बाकी तो आसान है। करते हैं आगे, देखो जुलाई 18 का सम लिया है, उसमें आपको एक्स और वाई 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं, एक सब्जेक्ट के मार्क्स x, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स y, मैंने x और y लिख दिया। आगे बोला है फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो रैंक के लिए रैंक तो देना पड़ेगा, क्योंकि स्पीयरमैन कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन सब एक ही है। अब x को रैंक दो,
तो आर एक्स, वाई को रैंक दो तो आर वाई। तो रैंक देना शुरू करते हैं, ध्यान से देखना सर। इसमें से हाईएस्ट मार्क 60 है, फर्स्ट रैंक। देन सेकेंड हाईएस्ट 50, सेकेंड रैंक। देन 40, थर्ड रैंक। देन 30, बट 30 इज फॉर थ्री टाइम्स। देखो 30 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। खास यहां पे ध्यान देना है कि रिपीटेशन हो रहा है। अब मैं 1 2 3 रैंक देख चुका हूं, अब आया फोर्थ रैंक। तो फोर्थ रैंक के बारे में अगर बात करूंगा तो ये फोर्थ रैंक, फिर से 30, फिफ्थ रैंक, फिर से 30, सिक्स्थ रैंक। तो 4 5 6 रैंक आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पीयरमैन की जो मेथड है उसमें ये तीनों का एवरेज करके एक रैंक दिया जाता है, 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 डिजिट्स है। आंसर आएगा 5। तो सबका रैंक दिया 5 5 5, जो मैंने रेड कलर से लिखा है। यहाँ पे 30 थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो 4 5 6 नंबर हो गए। अब 7 से स्टार्ट करना है। 30 के बाद क्या है, 20 सर, 7 10 8, दैट्स इट। तो ये रैंक मैंने दे दिया, हमारा काम खत्म। अब रैंक देना है वाई को, तो वाई में हाईएस्ट कितना है सर, 80 मार्क्स फर्स्ट रैंक, 60 मार्क्स सेकंड रैंक, 40 मार्क थर्ड रैंक, 28 मार्क फोर्थ रैंक। अब अगर 28 के बाद बात करेंगे तो सर 20 आएगा, 4 के बाद रैंक आता है 5, फिर से 20 है, 6, 5 और 6 होना चाहिए। लेकिन सर सेम मार्क्स है ना, तो एवरेज निकाल के देना है, 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 डिजिट है। तो आंसर आएगा 5.5, 5.5 वो मैंने रैंक दे दिया। और यहां पे लिख दिया वाई में जो 20 है वो 2 टाइम्स है। जितने भी रिपीट हो रहे हैं ना उसको लिखो अलग से, क्योंकि उसी से सीएफ मिलेगा। ये सीएफ कब मिलेगा, जब रिपीटेशन है। रिपीटेशन नहीं है, नो सीएफ, करेक्शन फैक्टर। अच्छा तो यहां पे भी हो गया काम, इसको कर दो कैंसल। अब क्या बचा सर, 5 6 नंबर क्लियर। अब 7 से देना है रैंक, तो ये हुआ 15 7 12 8, सबके रैंक दे दिए। अब फॉर्मूला में क्या चाहिए सर, दो चीजें चाहिए, एक सीएफ चाहिए, एक डी स्क्वायर चाहिए। डी का मतलब डिफरेंस, ये रैंक्स का डिफरेंस निकाल दो। देखो यहाँ पे सीखा था आर एक्स माइनस आर वाई, दोनों का डिफरेंस यानी डी, डी स्क्वायर ढूंढा हुआ था ही, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। आर एक्स माइनस आर वाई, ये दोनों का डिफरेंस 0, ये डिफरेंस -0.5, 8 -2 6, 7 -3 4, इन दिस पे वी आर फाइंडिंग डिफरेंस। देन डी स्क्वायर, हिसाब का स्क्वायर कर लिया, इसका टोटल कर दो, सिग्मा डी स्क्वायर 81.5, काम खत्म। एक सिग्मा डी स्क्वायर तो मिल गया। यहाँ पे सीएफ नहीं था क्योंकि रिपीटेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। यहाँ पे रिपीटेशन है, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे एम। मुझे फाइंड करना है m³ - m/12, सो एम इज 3, 3³ - 3/12 आंसर इज 2, सेम वे 2, 2³ - 2/12 आंसर इज 0.5, टोटल ऑफ दिस इज 2.5, दैट इज माय सीएफ। ये जो 3³ m³ - m/12 करके जो आंसर आ रहा है उसका टोटल करो, जिसको सीएफ बोलते हैं, ये है मेरा 2.5। अब मेरे पास दोनों वैल्यू है सर, सिग्मा डी स्क्वायर 81.5, सीएफ 2.5, ये फॉर्मूला रखा, 1 एज इट इज, 6 एज इट इज, सिग्मा डी स्क्वायर 81.5 प्लस सीएफ, यहां पे आएगा प्लस सीएफ 2.5 अपॉन 8 8² - 1। अब ये अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा 504 अपॉन 504, आंसर इज 1 1 - 1 0, दैट्स इट। सम हो गया, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। अब सोचो हर बार ये क्वेश्चन आया ही है, May 21, March 18, March 19, August 20, July 18, सब में, इवन 2022 में भी था, लेकिन रेक्टिफिकेशन वाला था, डी में गलती हो गई, करेक्शन करना था, बाकी यही है। तो देखने जाओ तो 5 मार्क्स आसान है। ये लेक्चर देखो, फॉरवर्ड करो, दूसरों को भी दिखाओ और मजे लो, 5 मार्क्स फिक्स करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मार्क्स के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कर रहे हैं, वही सेक्शन सी 2 मार्क्स, सेक्शन डी 3 मार्क्स, 3 और 2 5 मार्क्स। अब पहले एनालिसिस कर लेते हैं, आज तक क्या हुआ है। तो देखें यहां पे मैंने एनालिसिस लिखा हुआ है जुलाई 18, ये जो ब्लू कलर से लिखा है ना वो 2 मार्कर क्वेश्चन है, और जो ये ग्रीन कलर से लिखा है वो 3 मार्कर क्वेश्चन सेक्शन सी में और सेक्शन
डी में। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन आता है। अब देखो जुलाई 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आर स्क्वायर फाइंड करना था, लेकिन फॉर्मूला क्या थी पता है? B इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। जो B का फॉर्मूला है ना वो ये था, वो 2 मार्क्स में था। अब यही फॉर्मूला का यूज करके B फाइंड करना है, कितनी बार पूछा गया है देखो, मार्च 18, मार्च 19, 20, 22, मई 21, अगस्त 20, जुलाई 18, जुलाई 19, इतनी सारी बार पूछा गया है y कैप फाइंड करने के लिए। रिग्रेशन लाइन y कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली मेथड, उस पे जो b फाइंड करना है ना वो भी यही मेथड थे सर, r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। मतलब क्या हुआ सोचो, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला के बेसिस पे इतनी सारी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन जो दिया है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया है वो ऐसे बॉक्स में दिया था, ऊपर दो इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, एक को x बोलेंगे दूसरे को y बोलेंगे, फिर दिया है एवरेज मीन मतलब x बार y बार होगा, फिर दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन तो एस एक्स और एस वाई होगा, कभी कभी वेरियंस देते हैं तो एस एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर होता है, और यहां पे को वेरियंस देते हैं तो को वेरियंस होगा एस एक्स वाई होता है, कभी कभी को रिलेशन होता है तो आर दिया होता है। यानी ऐसे बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, रीड करना है, समझना है क्या अवेलेबल है और उसके बेसिस पर सम करना है। लेकिन फॉर्मूला कौन सा था? ये इतनी सारी बार क्वेश्चन पूछा, बी फाइंड करने की फॉर्मूला एक ही थी, r into sy upon sx। सेम वे आगे जाए तो मई 21 में sx फाइंड करना था, वही मार्च 18 जुलाई 19 में भी था, लेकिन कौन सी फॉर्मूला से? b is equal to covariance of xy upon sx square। ये दूसरा b का फॉर्मूला है, ये b का एक फॉर्मूला, ये b का दूसरा फॉर्मूला जो शॉर्ट सम्स में जनरली यूज होता है, जैसे हमने कल देखा था, क्या देखा था कि r फाइंड करने की शॉर्ट सम्स की तीन फॉर्मूला, सेम में उसी के ऊपर से ये फॉर्मूला बनी है। फॉर्मूला कैसे बनी है वो सिखा चुका हूं, आज सिर्फ एनालिसिस दिखा रहा हूं और सम दिखा रहा हूं। तो ये दूसरा फॉर्मूला, सेम में मार्च 20, अगस्त 20, जुलाई 18, मार्च 22, ये सब में एक क्वेश्चन पूछा गया जो बी वी यू फाइंड करने का था। अब 2 मार्क में भी था, 3 मार्क में भी था, कभी कभी 1 मार्क में भी पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है और 1 मार्क में तो पूछो ही मत। मार्च 22 में एरर फाइंड करना था, e मींस y माइनस y कैप, लेकिन पहले तो y कैप फाइंड करना ही है, उसके ऊपर से y माइनस y कैप होगा, कभी कभी दे देते हैं y कैप इज इक्वल टू दिस, सिर्फ वैल्यू डालो, y कैप की वैल्यू फाइंड करो और y माइनस y कैप करो, सम खत्म। तो ये e एरर वाला सम था। मार्च 20 में अगर बात करें तो ये एक फॉर्मूला से मार्च 20 और अगस्त 20 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, ये फॉर्मूला एन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा अपॉन एन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, ये नॉर्मल फॉर्मूला वाला फॉर्मूला जो थी उसमें से बना है। सेम वे मई 21 में भी एक क्वेश्चन है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा स्क्वायर, बी फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला। इन शॉर्ट देखने जाओ तो ये फॉर्मूलास में से आपके 3 और 2 मार्क के सम थे, और ये फॉर्मूला कैसे बनी है क्या है सब सिखा चुका हूं, आज सिर्फ सम की बात करेंगे। सेम वे यहां पे मार्च 18 में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें बोला था फाइंड इंटरसेप्ट, इसका मतलब ए फाइंड करना है, सिर्फ ए, यहां पे जैसे बी फाइंड करना है, बी का यूज करना है, वैसे वहां पे ए यूज करना है। मार्च 19 में एक थियोरिटिकल क्वेश्चन था यूजफुल प्लस ऑफ रिग्रेशन, खत्म। ये था एनालिसिस। अब सब में से जो बात करनी है छोटी छोटी वो है सिर्फ 2 फॉर्मूला, एक आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स कैसे काम होता है जो मैंने यहां पे बताया, ये एक यहां पे, ये दूसरा यहां पे, तीसरा, तो आपको क्लियर हो जाएगा हाँ सर इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और ये दोनों की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स ये सब दिया है, कैलकुलेशन तो दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार माइनस वाई बार व्हाटएवर सब दिया है, सिर्फ क्या करना है वैल्यू डालो, बी फाइंड कर लो। अगर एक सम पूरा आ गया बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फटाफट, जुलाई 18
क्वेश्चन है y cap is equal to 11 plus 3x. अब जितना 18 टू मार्कर क्वेश्चन है. sx रेशियो sy is equal to 3:10. फाइंड r स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन फाइंड करना है. अब बात करते हैं आगे, देखो ध्यान से. तो इतना दिया है, अब सोचो y cap is equal to a plus bx होता है, मैंने लिख लिया y cap is equal to a plus bx. तो इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो b is equal to 3 मिला. So b is equal to 3. sx upon sy, sx upon sy, 3:10, 3:10 हो गया. अब मेरे पास b है, sx upon sy है, b का एक फॉर्मूला है, b is equal to r into sy upon sx. याद रखना है सर, ये sx upon sy है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है sy upon sx, यानी इसका उल्टा करना पड़ेगा. तो 10 upon 3, तो देखो b is equal to 3, तो b is equal to 3, r I need to find into 10 upon 3, मैंने यहाँ पे 10 upon 3 लिखा है. क्यों? sy ऊपर है, sx नीचे है, तो इसको भी इनवर्स करना पड़ेगा. हो गया इनवर्स, ये 3 ऊपर 10 नीचे, 3 3 9 upon 10, आंसर 0.9. तो r is equal to 0.9 आएगा, उसका स्क्वायर करो, r square 0.81, काम खत्म, 2 मार्क्स आपके. अब देखो ये सिर्फ छोटी सी फॉर्मूला और ये कंपैरिजन y cap is equal to a plus bx, आपका सम तैयार. तो ऐसे आसान सम होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो हो जाएगा. दूसरी बात करेंगे, मार्च 19 में 3 मार्कर क्वेश्चन, ग्रीन कलर मींस 3 मार्क्स, ब्लू कलर मींस 2 मार्क्स. कवर क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही फॉर्मूला यूज करो, 3-2 मार्क्स ले लो. मार्च 19 में आपको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, रेन यील्ड ऑफ क्रॉप मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अब देखो रेन, उसको मैंने x बोल दिया मान लो, इसको y बोल दिया, मीन मतलब ये x बार और ये y बार हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी ये sx हो गया, ये sy हो गया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी r हो गया. यानी ऐसे टेबल दिया है, हमको क्लेरिफिकेशन लेना है दिया क्या है, फिर सम अप्लाई करो. अब देखो r अवेलेबल है ना, तो r का एक ही फॉर्मूला है, r into sy upon sx, b फाइंड करने के लिए. क्योंकि हमें जब ये सम करना है तो पहले a करना है, फिर b करना है, फिर y cap फाइंड करना है. तो b फाइंड करेंगे और क्वेश्चन में क्या है, रेन 22, इसका मतलब रेन का मतलब मैंने x assume किया था, तो x is equal to 22 दिया है, find yield, y find करो. तो देखो सम करते हैं, b is equal to r into sy upon sx, b फाइंड करना है, तो r हमको दिया ये रहा 0.6 into sy, sy 38 and sx 2, सॉल्व करो 11.4, सो b is equal to 11.4. पहले फाइंड करना है b. आपको क्यों b करना है, ये सब चीजें आगे वाले लेक्चर्स में है, आप ऑनलाइन देख सकते हो. नेक्स्ट, a is equal to y bar minus b x bar, सो y bar is equal to this 970 minus b 11.4 x bar 18, सॉल्व दिस 764.8, so a is equal to 764.8, b is equal to 11.4, ये दोनों को यूज करो, फॉर्मूला में डालो, y cap is equal to a plus bx, a is equal to 764.8, b is equal to 11.4, x as it is. अब x is equal to 22, ये रहा, 22 डालो, x is equal to 22, सॉल्व करो, 10.15.6 is yield. इतना करो, 3 मार्क्स आपके. अब सोचो अगर ये पता चल गया तो सम में कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला b is equal to r into sy upon sx. तो मार्च 19 सिर्फ नहीं है, मार्च 19 18 20 22 21 20 जुलाई 18 जुलाई 19, ये सब में पूछा गया है सेम टाइप का. अगर इसी को आगे करेंगे तो एरर भी फाइंड कर सकते हो, y cap is equal to this, ओरिजिनल y दिया होगा, y माइनस y कैप करो तो e मिल जाएगा, एरर काम खत्म. दो दो मार्क में डायरेक्ट पूछ सकते हैं. मार्च 18 में सम देखते हैं, क्या दिया है सर, y कैप इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 5, sy अपॉन sx 5 रेशियो 8, फाइंड r स्क्वायर, ऐसा ही है, r स्क्वायर फाइंड करो. अब सोचो y कैप इज इक्वल टू आंसर, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, ऐसा होता है, यानी x के साथ जो है वो मेरा b है, तो यहाँ पे सिर्फ x पहले दिया है, मैंने इसको बाद में लिख लिया, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है,
5 पहले लिख लिया, तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये इंपॉर्टेंट चीज है, x के साथ जो है वो b, तो x के साथ 1 अपॉन 2 है, यहाँ पे 1 नहीं दिया है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो x के साथ 1 अपॉन 2, so 1 अपॉन 2 इज माई b, तो b मिल गया, अब b मिल गया, तो r वाला फॉर्मूला है ही, b इज इक्वल टू r इंटू sy अपॉन sx, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, r एज इट इज, sy अपॉन sx, ये रहा, sy अपॉन sx, y अपॉन 8, y अपॉन 8, 8 ऊपर मल्टीप्लिकेशन, 5 नीचे डिवीजन, 8 अपॉन 2 इंटू 5, आंसर आएगा r इज इक्वल टू 0.8, r स्क्वायर 0.8 स्क्वायर 0.64, आंसर खत्म, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64, काम खत्म हो गया, आपके 3 मार्क्स। अब सोचो फॉर्मूला सिर्फ ये ही यूज कर रहे हैं, एक बार दो बार, यहाँ पे तीसरी बार, सब में सेम है भाई, कोई टेंशन नहीं है। और लास्ट जुलाई 18 में जो पूछा था, एक बार नहीं है, है कितनी बार, जुलाई 18, मार्च 22, मार्च 20, अगस्त 20, कहीं 2 मार्च में, कहीं 3 मार्च में, और कभी कभी 1 मार्च में तो है, लॉजिक एक ही है। देखो आपको दिया है BYX 0.8, फाइंड BVU, अब BVU फाइंड करना होना तो एक बात याद रखनी है, आपके पास CX और CY होना चाहिए। देखो एक सम है, U is equal to X minus 105, V is equal to Y minus 90, अब हमें डिवीजन में कुछ नहीं है, इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, मतलब CX और CY 1 है, क्योंकि जो डिवीजन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, उसके ऊपर से CX CY लिखा जाता है, x के नीचे जो जो डिवीजन किया है वो cx है, और y के नीचे जो डिवीजन किया है वो cy है, यहाँ पे डिवीजन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो फॉर्मूला में लिखो dyx is equal to bvu into cy upon cx, ये फॉर्मूला है, अब bx 0.8 है, bvu मुझे फाइंड करना है, cy cx यहाँ पे नहीं है तो 1 1, तो आंसर bvu is equal to 0.8, नो चेंज, खत्म हो गया। ऐसे ही सेकंड सम है जिसमें लिखा है u is equal to x minus 1400 divided by 100, y minus 750 divided by 50, अब नीचे cx 100 है, cy 50 है, जो डिवीजन में है वो cx cy है, अब देखो फॉर्मूला dyx is equal to bvu upon cx into cy upon cx, dyx is equal to 0.8, bvu पता नहीं है, ढूंढना है, cy ये रहा, cy 50 and cx is equal to 100, 50 upon 100, अभी 100 की साइड चेंज करो, 100 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, ये नीचे डिवीजन में, BVU is equal to 1.6, काम खत्म, BVU 1.6, अब आगे तीसरा मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ CY CX बताऊंगा। देखो U is equal to 10 X minus 4.6 divided by, कुछ नहीं है तो 1 है, तो CX is equal to 1 upon 10, most IMP, CX is equal to 1 upon 10, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 10 है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो नहीं लिया, यहाँ पे CX is equal to 1 upon 10, यहाँ पे डिवीजन में कुछ नहीं है तो CY is equal to 1, तो CY 1 लो, CX is equal to 1 upon 10 लो, इसमें फॉर्मूला में रखो और होमवर्क करो, 3 सम, 3 मार्क्स। अब ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, BYX is equal to BVU into CY upon CX, स्टूडेंट्स बहुत फास्ट करवा रहा हूँ, कोई बीच में मजाक नहीं है, कोई चीज नहीं है, पता है, लेकिन फास्ट करना है ना, 5 मार्क्स चाहिए, इतना करो, 5 मार्क की कोशिश की है, मैक्सिमम कवर अप होता है, बाकी है ये दो फॉर्मूला, अगर ये दो फॉर्मूला की बात करें तो अंदर डिटेल दिया है, डिटेल दिया है, सिर्फ वैल्यू रखना है बी के लिए, अगर बी मिला तो ए तो सेम रहेगा, y बार माइनस बी एक्स बार, सिर्फ बी की फॉर्मूला बदली, ए भी मिला, काम खत्म, तो स्टूडेंट्स फटाफट तैयारी करो आगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के साथ, बाय बाय। हाय स्टूडेंट्स, आज तक हम लोग 3 चैप्टर 1, 2, 3 खत्म कर चुके हैं, अब आज जो करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज, तो देखें क्या है, सेक्शन सी, अगर आप सेक्शन सी देखोगे ये सब जो लिखा है पूरा थियरी पोर्शन, यानी मैक्सिमम थियोरिटिकल पोर्शन 2 मार्क्स में उन्होंने पूछा है आज तक, एक ही सम था जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो है मार्च 19 में, पहले कर रहे हैं वो सम जो 2 मार्क्स में था, और अगर 3 मार्क्स की बात करें तो 3 मार्क्स में मार्च 18, 19, 20, 22, जुलाई 18, 19, अगस्त 20, मई 21, सब में एक ही टाइप का सम, वैल्यू अलग अलग है, मेथड एक ही है, और 3 मार्क, इसका मतलब बोल सकते हैं आप 3 मार्क फिक्स कर सकते हो एक ही सम करके, तो 2 सम करेंगे और 3 मार्क को फिक्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं सम नंबर
वन मेरी तरफ से मार्च 19 में जो था वो, उसमें क्या दिया है, 7 वीक डेटा इज अवेलेबल। ऑन द बेसिस ऑफ 7 वीक डेटा वाई कैप इज इक्वल टू 25.1 - 1.3 t, ये अवेलेबल है। आप सब लोग यूज टू हो ये सब चीजों से, इसलिए नया कुछ नहीं बता रहा हूं, फॉर्मूला पता है। जैसे y cap is equal to a plus bx था, यहाँ पे y cap is equal to a plus bt है, ठीक है। उसके अंदर बात करो तो क्वेश्चन में पूछा है 8th वीक और 9th वीक के बारे में फाइंड करो कि 8th और 9th में क्या होगा। सिंपल सा है, 7 वीक्स के बारे में दिया है ये इक्वेशन, ये इक्वेशन में t is equal to 7 तक हो चुका है, अब t is equal to 8 रखो, t is equal to 9 रखो, सम फाइंड करो, 2 मार्क्स आपके। इतना आसान सम था, सब तैयार था, सिर्फ वैल्यू रखना है। देखो कैसे, for t is equal to 8, y cap is equal to 25.1 - 1.3, t is replaced by 8 because 8 is given. So for 8th week, now 8 into 1.3 answer 10.4, 25.1 - 10.4 answer is 14.7, that's it. One mark is yours. Same way for t is equal to 9, replace this by 9 only, remaining remains same. So 25.1, 1.3 into 9, 11.7, 25.1 - 11.7 आंसर इज 13.4, सो 1 + 1 = 2 mark, यस। 2 mark में पूछा था, एक ही बार मार्च 19 में, बाकी सब साल में क्या पूछा है, सिर्फ थ्योरी। कौन सी, लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ टाइम सीरीज, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ टाइम सीरीज, इंपोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, लिमिटेशन ऑफ मूविंग एवरेज मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफिकल मेथड, सीजनल component, explain this, all the theories asked in 2 marks, and only one type of question asked in 3 marks. एक ही type का question 3 marks में है, जिसमें क्या दिया है, मैंने मार्च 18 वाला सम लिया है, same खाली information अलग है, n is equal to 4, sigma by 270, sigma t by 734, इतना दिया है बस, और आपको बोलते find trend line. अब ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, y cap is equal to a plus bt, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, y cap is equal to a plus bt, ये मुझे ढूंढना है। जैसे वहां पे y on x लाइन था, a is equal to ढूंढो, b फाइंड करो, तो पहले b फाइंड करेंगे फिर a फाइंड करेंगे, सम खत्म। तो देखो यहाँ पे n is equal to 4 है, इसका मतलब ये हुआ t is equal to 1 2 3 4, अगर n is equal to 5 है t is equal to 1 2 3 4 5, n is equal to 10 है, t is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 3 marks में ना तो छोटा सम होता है, तो n is equal to 4, 1 2 3 4 4 1 2 3 4, total is sigma t 10, t square ये सब का square कर दो, 1 4 9 16, total 30, sigma t square 30 हो गया, sigma t square मेरे पास है। अब t bar find करना हो तो sigma t upon 10 upon 4 answer 2.5, y bar is equal to sigma y already given 270 upon 4, answer 67.5. अब ये सब चीजें मेरे पास है, 1 2 3 4 and 5, on this basis I can find y cap. So first of all b is equal to n sigma t y minus sigma t sigma y upon n sigma t square minus sigma t whole square. अब n 4, sigma t y 734 minus sigma t sigma y, so sigma t is 10, sigma y 270, 10 into 270, divide by n sigma t square is equal to 30 minus sigma t whole square, ये t का square, यहाँ पे 10 square, काम खत्म। Multiply करो 2936, ये दोनों को multiply करो 2700, ये दोनों को multiply करो 120, ये square करो 100, solve करोगे answer आएगा 11.8, b is equal to 11.8, काम खत्म, b मिला। अब चाहिए a is equal to y bar minus bt bar, अब y bar है ये रहा 767.5, b यहाँ पे find किया है और 2.5 is t bar, solve करेंगे answer आएगा 38, काम खत्म। a भी मिला, ये दोनों का value रख दो यहाँ पे, y cap is equal to a plus bt, y cap is equal to a 38 plus b 11.8 and t, this is my trend line। तो ये 3 marker question, सोचो हर साल ये question है, यहाँ पे अलग अलग, यानी आज के लेक्चर की बात करो तो सिर्फ 3 marks के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ट्राई करो, अगर ये सब हो जाता है शायद ये क्वेश्चन आते हैं तो आपके 2 mark भी फिक्स हो जाएंगे, लेकिन आसान तो ये था, मैंने पहले ही बताया था
60 मार्क्स में से 50% क्वेश्चन निकाल भी दो तो 30 तो आ ही जाएंगे, 33 कहीं नहीं जाने वाले हैं, और उसी की तो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये पोर्शन को कर रहा हूँ कैंसल, फिक्स करवा रहा हूँ 3 मार्क्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, उसमें से 2 मार्क वाले 3 मार्क वाले जो क्वेश्चन है एक्चुअली आता 3 और 4 मार्क्स में है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछते ना वो 4 मार्क में भी आता है तो 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 3 मार्क्स में होता है तो 3-3 मार्क्स में, लेकिन 3 मार्क्स में इंटरनली 2 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे उसको बाइफर्केट किया गया है, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग आज कर रहे हैं। तो सिंपल बात करेंगे, मार्च 18, मार्च 20, मई 21, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है सेम क्वेश्चन। अब कुछ चीजें ध्यान रखनी है, एक आपको ऐसा बोला जाए कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है इंटरसेक्शन 0, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0, यानी ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 करेंगे। ए बी सी अगर तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0। इन शॉर्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो उसमें इंटरसेक्शन 0 होते हैं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर ये वर्ड यूज किया है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर 3 इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये तीनों का यूनियन 1 होगा, 2 का यूनियन 1 नहीं होगा उस टाइम पे। अगर ऐसा बोला है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो ए यूनियन बी 1 होगा। इंटरसेक्शन की बात करो तो 3 एक्सक्लूसिव है तो कोई भी 2 इंटरसेक्शन तीनों इंटरसेक्शन 0 होते हैं, लेकिन जब एक्सक्लूसिव की बात हो और 3 इवेंट बोला हो तो तीनों का यूनियन 1 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 1 होगा, लेकिन ए यूनियन बी 1 नहीं होगा, ये थोड़ा दिमाग में क्लियर करना है। एक और फॉर्मूला जो है यूनियन का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसके ऊपर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अवेलेबल क्या है, ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी 0 है। 3A इज इक्वल टू 4PB इज इक्वल टू 1 ये दिया गया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 2 मार्कर क्वेश्चन, ऐसे तो 3 मार्क्स में है, आगे बात करेंगे। अब मुझे ये कंपैरिजन अवेलेबल है तो मैं बोल सकता हूं 3PA इज इक्वल टू 1 एंड 4PB इज इक्वल टू 1, तो यहां पे मैंने लिखा 3PA इज इक्वल टू 1 4PB इज इक्वल टू 1, चेंज साइड ऑफ दिस 3, साइड चेंज की, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, सो PA एंड PB बोथ आर अवेलेबल। नाउ वी हैव फार्मूला ऑफ A यूनियन B, एक्चुअल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि सर जी इंटरसेक्शन 0 है ऑलरेडी यहाँ पे मुझे पता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ए और बी का टोटल कर दो 1/3 प्लस 1/4, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 4 3 1 3 4 3 12 तो आप उसको सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड करो और आगे काम आसान हो जाएगा, सिंपल सम खत्म। दूसरा एक क्वेश्चन है मार्च 19 में, उसमें बोला है ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ए माइनस बी, तो मैंने क्या किया बॉक्स ड्रॉ कर दिया जिसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, उसमें ए ब्लैक कलर से किया ए, बी ग्रीन कलर से ड्रॉ किया बी। अब आपको क्या बोल रहा है ए माइनस बी,
यानी ए में से बी निकाल दो तो क्या बचा। तो देखो ये ब्लैक कलर का जो ए है उसमें से ग्रीन कलर अगर निकाल देते हैं तो सर जो ये रेड कलर आपने डिजाइन किया है वो बचा, ये ग्रीन वाला पोर्शन निकल गया। तो ये जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया ये हो गया मेरा वेन डायग्राम ए माइनस बी, 2 मार्क्स योर्स। 2 मार्क में आराम से आप दे सकते हो, 1.5 मार्क्स में भी हो सकता है। खत्म हो गया, सिंपल डायग्राम। चल आगे बात करें, मार्च 18, जुलाई 18। अब यहां पे एक सम मैंने लिया है मार्च 19 का, जुलाई 18 और मार्च 18 में भी ये क्वेश्चन तो है, कुछ चीजें अलग दी है, क्वेश्चन बदल दिया है, यानी वैल्यूज बदल दिया है, कॉन्सेप्ट सेम है। क्या अवेलेबल है सर? PA इज इक्वल टू 2/3, PB इज इक्वल टू 3/5, ये दोनों अवेलेबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेस ए 3/4, फाइंड ए बेस बी। अब आपको क्या आना चाहिए सर? फॉर्मूला आना चाहिए ए बेस बी और बी बेस के का। अब जब बेस हो यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो तो करना क्या है? तो देखो बी बेस ए दोनों का इंटरसेक्शन लिखो ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये इसका फॉर्मूला है। अब मेरे पास बी बेस ए का वैल्यू है 3/4, इंटरसेक्शन पता नहीं है, पी ए इज इक्वल टू 2/3 है, लिख दिया, साइड चेंज की 3/4 इंटू 2/3, 2 2 4, 3 3 कैंसल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2, ये मुझे इंटरसेक्शन का वैल्यू मिल गया। अब बोल रहा है ये फाइंड करो, तो इसका फॉर्मूला ए बेस बी का फॉर्मूला क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखो, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, ये बी है तो बी। अब मुझे ये ढूंढना है, तो इंटरसेक्शन ये मिला 1/2, पी बी ये रहा, पी बी इज इक्वल टू 3/5, 1/2 डिवाइड बाय 3/5, आराम से करना है, नीचे जो दिया है उसको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करो ऊपर, 1/2 एज इट इज, रेसिप्रोकल 5/3, सो 5 1s are 5, 3 2s are 6, फाइनल आंसर 5/6, 3 मार्क्स योर्स। 3 मार्क का क्वेश्चन था, 3 बार पूछ चुके हैं इसलिए करवाया है। और आगे जाते हैं, मार्च 20 एंड 22 दोनों में सेम क्वेश्चन, नो चेंज, 1 to 100 नंबर्स आर गिवन, फ्रॉम दैट नेचुरल नंबर 1 नंबर इज सिलेक्टेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 or 5। नाउ क्वेश्चन इज नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 or 5। अब याद रखना है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है और पूछा है, और का मतलब यूनियन, आपको 3 or 5 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 union 5 फाइंड करना है। अब आपको एज्यूम करना पड़ेगा, सपोज मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू ए, सो ए इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, टेबल बोलो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, अप टू 99, सो 3 6 9 अप टू 99, टोटल हाउ मेनी टर्म्स, 33 टर्म्स दैट आर फेवरेबल फॉर ए। मल्टीपल ऑफ 3 वाले कितने हैं? 33, जिसको बोलेंगे m, टोटल नंबर कितने थे? 100, जिसको बोलेंगे n, probability of A is equal to M upon N, M is equal to 33 and N is equal to 100, तो ये हो गया probability of A, जो 3 वाला मैंने ढूंढ लिया। Next one, probability of 5, so 5, B is equal to multiple of 5, now table of 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5, 10, 15 up to 100, total 20 available, so M is equal to 20 for B. Probability of B M upon N, M is equal to 20, total 100 numbers divided by 100. So probability of B done. Now students, I need OR means union, all of you know. So A union B, I need actually A union B. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now we have values of P and PB. Ye dono to mere paas hai. Kya nahi hai? Intersection. So A intersection B means 3 and 5, यहां पे और है जो ढूंढना है, लेकिन इंटरसेक्शन है यानी एंड, 3 and 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 15 का डबल बोलो, 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45 up to 90,
ऐसे कितने मिलेंगे? 6, m is equal to 6 for a intersection b. So probability of a intersection b, m upon n, m is equal to 6. Total number of outcomes 100, 6 upon 100 is the answer. अब तो सिंपल है, फॉर्मूला के हिसाब से a plus b minus a intersection b. a ये रहा 33 upon 100 plus b 20 upon 100 minus a intersection b 6 upon 100. 33 plus 20 minus 6 47 upon 100. ये फाइनल आंसर 3 मार्क आपके. अगर सोचोगे तो हार्ड नहीं है. यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है. पता कैसे चला? कि यहाँ पे बताया 3 का मल्टीपल हो और 5 और मतलब यूनियन करना है. अब उसके लिए ए चाहिए, बी चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, ढूंढ लिया, सम हो गया. और लास्ट सम आज के लिए मार्च 22, जिसमें क्या बोला है, टू कॉइन टॉस्ट. अगर दो कॉइन टॉस करता हूं तो फाइंड वन हेड एंड वन टेल प्रोबेबिलिटी, सेकेंड प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट वन टेल प्रोबेबिलिटी. अब ये दोनों को कैसे ढूंढेंगे? तो पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो बहुत आसान है. 2H, HT, TH, TT. These are the four total possible outcome. और आगे, what is the first question? 1H, 1T. एक head होना चाहिए, एक tail होना चाहिए, उसका probability. तो लिखो, suppose A is equal to one head and one tail. तो सर ये चार में से ये head tail वाले ये दो हैं, दोनों लिख दिए. Favorable outcome is 2. So probability of A is equal to m upon n, m is equal to 2, n is equal to 4. 1 upon 2, 2, 2 is 4, so 1 upon 2. That's it, khatam. Sab ho gaya. Second question, at least one tail. Matlab, kam se kam ek tail to hona chahiye. Matlab, ek hoga to bhi chalega, do hoga to bhi chalega. So, yahan pe baat karenge. At least one tail is equal to B. So, tail wala kaun sa hai? Sir, ye bhi tail hai, ye bhi tail hai, ye bhi tail. Ye tino, HT, TH, TT. Total possible outcome 3. So probability of B is equal to M upon N, M is equal to 3, N is equal to 4, 3 upon N, 4. That's it. ये दो हो गए, आपके तीन marks fix. अब ये question दो बार पूछ चुके हैं. Question में कुछ नहीं है, आसान है. तो student ये नहीं बोल रहा हूँ probability hard नहीं है. लेकिन उसमें से ऐसे आसान सम करके हम लोग marks तो ले सकते हैं. तो थोड़ी सी practice कर लो. वैसे भी बता चुका हूँ, C, D, E section में से 50% भी नहीं आता तो भी फायदे में हो. और लास्ट वेन डायग्राम जो यहां था वैसा ही, लेकिन यहाँ पे मार्च 19 और 20 में दो बार क्वेश्चन पूछा है ए इंटरसेक्शन बी. तो मैंने ए ब्लैक कलर से बनाया, बी ग्रीन कलर से बनाया. ए और बी दोनों जहां पे मिक्स हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन सेम एरिया. तो दोनों का सेम एरिया ये रेड कलर का है, दिखा दिया. ये पूरा जो बॉक्स है वो है मेरा यूनिवर्सल सेट. काम खत्म. ये भी 2 मार्क्स और 1.5 मार्क्स आ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यहां पे आज का लेक्चर खत्म. लेकिन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स ऐसी तैयारी हो चुकी है. ऐसा लगेगा इतना आसान, हाँ इतना आसान है तो लिखो, वरना वैसे भी छोड़ने वाले तो थे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे. बाय. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का दूसरा लेक्चर इन शॉर्ट और खत्म. मैक्सिमम सम कवर कर लेंगे. मार्च 19, मार्च 20, मई 21, जुलाई 19, ये सब साल में जो सम पूछा गया है ना वो इस टाइप का है. टाइप का मतलब एक वर्ड दिया होगा, वो वर्ड में जो अंदर लेटर है वो लेटर का पर्टिकुलर स्पेस फिक्स कर दिया होगा. वो स्पेस को फिक्स कर दो तो अरेंजमेंट कितने तरीके से पॉसिबल है वो फाइंड करना है. तो देखते हैं सम. यहां पे वर्ड दिया है ऑरेंज, यहां पे कोई भी वर्ड हो सकता है. अब क्या बताया गया है, ऑरेंज वर्ड में जितने लेटर्स हैं वॉवेल्स, वो वॉवेल्स फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ प्लेस पे हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो. अब देखो यहां पे वॉवेल हैं कितने. सर ओ, ए एंड ई, ये तीन वॉवेल है. ये तीनों की प्लेस कौन सी है? 1, 3 एंड 6, ये फिक्स है. तो क्या करेंगे, ये थ्री प्लेसेस फिक्स कर दो, 3P3 अरेंजमेंट कर सकते हैं. बाकी के प्लेसेस पे कुछ भी हो सकता है. तो 1, 2, 3 बाकी के थ्री प्लेसेस, वहां पे भी 3P3 अरेंजमेंट कर सकते हैं. तो ये हुए मेरे फेवरेबल अरेंजमेंट.
और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी? सर टोटल 6 है, 6 पे 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखो यहां पे n इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल आउटकम 6 पे 6, 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 720 पॉसिबिलिटी। m इज इक्वल टू फेवरेबल, यानी ये तीन जो है जिसको फिक्स कर दिया है 3p3 एंड बाकी के रिमेनिंग 3p3, सो 3p3 * 3p3, 3 * 2 * 1, 3 * 2 * 1, आंसर इज 36। सो फेवरेबल 36 and total 720, so probability of A is equal to M upon N, 36 upon 720, answer is 1/20। तो ये हो गया आपका एग्जाम, 2 मार्क्स आपका या 1.5 जो भी है वो आप ले सकते हो। ऐसे ही सम ये 4 साल में बाकी के पूछे गए जिसमें कुछ अलग अलग है। सपोज O को फिट कर दो, O on first place, तो 1p1, बाकी के जो भी है 5p5 कर दो। कोई बोलेगा O first place, E last place, तो O 1p1, E 1p1, बाकी के जो 4 है वो 4p4, तो कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के ये 4 टाइप के सम पूछे गए हैं, यहाँ पे ऑरेंज का सिग्नल है वैसे ही सबका करना है। दूसरा सम है मार्च 20 में पूछा गया है, जिसमें क्या बोला है, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, सीधा आंसर लिखा है। ऐसा बताया है कि 10 बल्ब से, बल्ब 10 पैकेट में है, उसमें से 3 बल्ब डिफेक्टिव है और 7 बल्ब नॉन डिफेक्टिव है। तो उसको मैंने अच्छी तरीके से लिख दिया, टोटल 10 बल्ब, 3 डिफेक्टिव, 7 नॉन डिफेक्टिव। नाउ 2 बल्ब्स आर सिलेक्टेड, यानी 10 में से 2 बल्ब को सिलेक्ट किया है। नाउ दिस 2 बल्ब्स आर फिट इन अ बल्ब होल्डर इन अ रूम, एक रूम में बल्ब होल्डर है जिसमें उसको फिट किया है। फिर बोला है अगर लाइट चालू करो, पावर सप्लाई दो, तो लाइट होनी चाहिए। अब रूम में लाइट कब होगा यह हमको सोचना है। सर जी 2 बल्ब सिलेक्ट किए, अगर एक बल्ब सही होगा तो भी लाइट होगा, दोनों बल्ब सही होंगे तो भी लाइट होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि डिफेक्टिव में से एक भी ना हो, या तो एक डिफेक्टिव हो। ये 2 पॉसिबिलिटी है कि हमारे रूम में लाइट हो, इसलिए मैंने लिख दिया 3 में से 0 होगा तो भी लाइट होगा, ये 3 में से एक डिफेक्टिव बल्ब होगा तो भी लाइट होगा। इसका मतलब टोटल 10 है, उसमें से 2 सिलेक्ट किए, 2 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब दोनों नॉन डिफेक्टिव। 2 में से एक डिफेक्टिव है, मतलब एक नॉन डिफेक्टिव। ये दोनों कंडीशन में लाइटिंग होने वाला है। टोटल पॉसिबिलिटी 10c2, यानी टोटल पॉसिबिलिटी n इज इक्वल टू 10c2, n नीचे लिखते हैं m अपॉन n, तो 10c2 हो गया। अब फेवरेबल आउटकम, सर ये 2 हो सकता है या तो ये 2 हो सकता है, so 3c0 and means multiplication 7c2, so 3c0 into 7c2, or second possibility this or means plus 3c1 into 7c1, 3c1 into 7c1, ये 2 possibility total, और total possible outcome 10c2 वो नीचे। अब इसको solve करेंगे, 3c0 1 होता है, 7c2 7 into 6 divided by 2 into 1 plus 3c1 3 7c1 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 21 प्लस 21 डिवाइड बाय 45, 42 अपॉन 45, 14 अपॉन 15, दैट्स इट। कोई स्टूडेंट ऐसा सर ये सब नहीं आता है तो टेंशन छोड़ो, सीधा डिवाइड करके लिख दो, 42 अपॉन 45 जो भी आंसर आया लिख दो, चलेगा, छोड़ने से अच्छा है करना। काम हो गया मार्च 20, तो मार्च 19, 20, मई 21, जुलाई 19 में जो था वो ऐसे टाइप का था जिसमें अरेंजमेंट की बात थी, यहाँ पे सिलेक्शन की बात है। ऐसे अलग अलग टाइप के सम आज करने जा रहे हैं। और एक सम मार्च 18, अब इसमें क्या बोला गया, 4 मार्क का सम है जिसमें 2-2 मार्क के 2 सम छोटे छोटे पूछे। पहले बताया है, क्वेश्चन बता, एक फैमिली है जिसमें 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। पहले पूछा है इफ फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल then find both are girl, this is a question। अगर पहला girl है तो दोनों girl हो, उसकी probability find करो। पहला काम हमारा क्या है, अगर सब 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो कौन सी possibility है, you पहला boy, दूसरा boy, boy boy, boy girl, girl boy, girl girl, ये 4 possibility है, यानी n is equal to 4। अब बात है if and then, अगर if और then word use हुआ, इसका मतलब ये condition है, पहला गर्ल है तो दोनों गर्ल है, तो ये इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, ये बी ए के ऊपर
पर डिपेंड है। सो बी बेस ए फाइंड करना है, यानी मेरा टारगेट है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेस ए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इफ कंडीशन आई, कंडीशन यानी ऐसे बेस आएगा। अब बात करेंगे, तो फर्स्ट बॉय फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल ए, तो ए इज इक्वल टू फर्स्ट गर्ल। अब ये चार में से फर्स्ट गर्ल कौन सा है, ये दो गर्ल बॉय गर्ल गर्ल हो गया, टू पॉसिबिलिटी। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए m अपॉन n 2 अपॉन 4 आंसर 1 अपॉन 2 2 यानी ये दो फेवरेबल आउटकम 4 टोटल आउटकम, सो 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 आंसर काम खत्म। सेम वे दूसरा है बोथ गर्ल, सर b इज इक्वल टू बोथ गर्ल, बोथ गर्ल का मतलब ये एक ही पॉसिबिलिटी है गर्ल गर्ल, सो आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ b 1 अपॉन 4 हो गया। अच्छा मुझे चाहिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a, अब a तो है 1 अपॉन 2 ए इंटरसेक्शन बी, यानी पहला गर्ल दूसरा भी गर्ल दोनों होना चाहिए बोथ गर्ल, तो वो तो सर यही है इंटरसेक्शन एम अपॉन एन 1/4, तो इसका आंसर है 1/4, ए का आंसर है 1/2, ये दोनों को हमको सॉल्व करना है 1/4 एज इट इज, नीचे वाला रिवर्स करके लिखो 2/1 2 2 4 1/2 आंसर काम खत्म। तो ये हुआ एक सम, तो एक चीज खत्म हो गई। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है मार्च 18 में, जो इसके रिलेटेड नहीं है, दूसरा है 100 नंबर्स नेचुरल नंबर्स है। अब उसमें से मुझे एक नंबर सिलेक्ट करना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7, वो डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, तो 7 का टेबल बोलो ना, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 डैश 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 अप टू 98 तक जाएगा। अब ऐसे कितने मिलेंगे 14, सो फेवरेबल आउटकम 14। अब उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एम अपॉन एन एम इज इक्वल टू 14 एंड एन इज इक्वल टू 100, क्यों 100 नंबर्स है, सो 7/50 नेट आंसर। किसी को नहीं समझ में आता है 14/100 0.14 लिख सकता है, तो ये दो सम 4 मार्क्स। अब सोचो सब अलग टाइप के सम लिए, क्यों, कल जो बताया था सेम टाइप के थे लास्ट लेक्चर में, ये लेक्चर में जो है वो अलग अलग टाइप के सम, अब ये दोनों आ गए तो फुल मार्क्स मिलेंगे भाई, 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स 7 मार्क्स क्लियर, तो दो लेक्चर 7 मार्क क्या बुरे हैं। लास्ट सम की बात करूं अगर, मार्च 22 में था, जिसमें ऐसा बताया ए बी सी आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट, एक्सक्लूसिव भी है एग्जिस्टिव भी है, एक्सक्लूसिव का मतलब इंटरसेक्शन 0, एग्जिस्टिव का मतलब यूनियन 1, लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं, यहां पे 3 है, लास्ट लेक्चर में 2 थे। दूसरी एक और बात, यहां पे कंपैरिजन दिया है लेकिन उसका वैल्यू नहीं दिया है, लास्ट लेक्चर में वैल्यू था यहां पे नहीं है। अब देखो तो ये तीनों को मैंने एज्यूम कर लिया कि यहां पे आप x d a जो एज्यूम करना है कर सकते हो, यहां पे 2pa is equal to 3pb is equal to 4pc दिया है is equal to k मैंने एज्यूम किया क्योंकि कमल सर का k, अब आगे जा सकते हैं हम लोग, तो 2pa is equal to k 3pb is equal to k 4pc is equal to k, ये तीनों मैंने रख दिया, कंपैरिजन हो गया, ये 2 को सामने ले जाओ, PA is equal to K upon 2, PB is equal to K upon 3, PC is equal to K upon 4, ये 4 का साइड चेंज किया, यहां तक पहले करना है सब, नीचे वाला बाद, पहले यहां तक होगा। अब मुझे पता है ये तीनों का टोटल होता है 1, क्यों, यूनियन 1 बोला है, एग्जिस्टिव मतलब यूनियन 1 और इंटरसेक्शन सब 0 है, सो PA plus PB plus PC is equal to 1 लिख सकता हूं। फिर क्या है, ये K upon 2, K upon 3, K upon 4 is equal to 1, अब इसको सॉल्व करो, देखो 4 3 जा 12, 12 इससे मल्टीप्लाई कर दो, LCM जिसे बोलते हैं, इसके नीचे 2 है ये दोनों नहीं है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, सो 12K, इसके नीचे 3 है ये दो नहीं है, 4 2 जा 8 से मल्टीप्लाई कर दो 8K, जिसको LCM में तकलीफ है वो आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है ये दो नहीं है, 3 2 जा 6 6K, डिवाइड बाय ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 24 इज इक्वल टू 1 तो है ही, अब ये 24 सामने ले जाओ ये सबका टोटल होगा 26K इज इक्वल टू 24, 26 का साइड चेंज करो, k is equal to 24 upon 26, अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, 4 2's are 12, 2's are 24 and 13 2's are 36, so k is equal to 12 upon 13, अब ये k का वैल्यू मिला, ये k का वैल्यू मैं ओरिजिनल फंक्शन जो यहाँ पे मिला था उसमें डाल देता हूँ, so k is equal to 12 upon 13 और ये 2 as it is, same way k is equal to 12 upon 13, 3 as it is, k is equal to 12 upon 13, 4 as it is, इतना काम हो गया। अब 2 6 जा, so 6 upon 13,
3 4 4 upon 13, 4 3 3 upon 13, ये तीन मुझे मिल गए, ये तीन मुझे मिल गए। तो ये पी ए पी बी एंड पी सी। अब बोला है फाइंड पी बी यूनियन सी, कभी कभी बोलते हैं ए यूनियन बी या ए यूनियन सी, जो भी बोला है मेथड सेम है। बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी बी प्लस पी सी, बी और सी का टोटल करना है माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सक्लूसिव, ए जीरो हो गया, ये दोनों का टोटल यानी ये बी 4 upon 13, 3 upon 13 टोटल करो 7 upon 13 आंसर। आपका फुल सम खत्म, 4 marks। अब सोचने जैसा है, सम में कुछ नहीं, थोड़ी मेहनत करो मिल जाएंगे। और लास्ट, ये लास्ट लेक्चर में भी था, आज और दो ले लिए जो पूछे गए। मार्च 20 में पूछा था ए यूनियन बी, तो मैंने ए राउंड किया, बी राउंड किया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है बॉक्स, यूनियन मींस ऑल, ये पूरा मैंने कवर करके दिखा दिया, ये है ए यूनियन बी। सेम वे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 5, खाली कुछ नहीं है, मतलब क्या, वो एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये एक्सक्लूसिव को यहां दिखाया है, ए एंड बी ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते, ये अलग अलग है, तो इन दोनों को आप अलग अलग दिखा सकते हो, ए एंड बी नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो ये हो गया वेन डायग्राम। ये पूरा आज प्रोबेबिलिटी खत्म, आप 7 marks आराम से कवर कर सकते हो 2 lectures में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय। हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इन दैट इंपॉर्टेंट थिंग, 3 most important things वी आर डूइंग, ऑन दैट बेसिस यू कैन सॉल्व मैक्सिमम सम्स। सी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पूछा गया है, मार्च 19, 20, 22, जुलाई 18 एंड 19, 5 बार ये सेम सम पूछा गया है, कभी 2 marks में तो कभी 3 marks। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है मार्च 20, मार्च 22, मई 21, जुलाई 18, जुलाई 19, अगस्त 20, ये सब में पूछा गया है इस टाइप का सम, जिसमें मीन और वेरियंस दिया है और उसके बेसिस पे बाकी सब फाइंड करना है, तो ये भी करने वाले। उसके बाद है मार्च 20, 18, 19, अगस्त 20, जुलाई 18, 19, ये पूछा गया है जिसमें कांस्टेंट फाइंड करने को बोला है, तो सब टाइप के सम्स हम लोग आज करेंगे। पहले बात करेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बाइनोमियल का क्या है, इट्स अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब परफेक्ट वैल्यू के लिए फाइंड किया जाता है। दूसरा, पैरामीटर्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर एन एंड पी, विदाउट एन पी काम नहीं हो सकता, यानी वो हमारा पैरामीटर है। दूसरा, मीन फाइंड करना हो तो यही पैरामीटर को मल्टीप्लाई करना है, एन इंटू पी करोगे तो मीन मिलेगा, और एन पी क्यू तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वेरियंस मिलेगा। सो वेरियंस इज इक्वल टू एन पी क्यू, ये उसका कैरेक्टर है। और कोई भी वेरियंस, आप सब लोगों को पता है, कोई भी वेरियंस उसका अंडर रूट करो तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एन पी आर दी पैरामीटर, मल्टीप्लाई करो तो मीन, एन पी एंड क्यू तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वेरियंस, अंडर रूट करो स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, एन पी क्यू एन पी से हमेशा कम होता है, इसका मतलब वेरियंस इज ऑलवेज लेस देन मीन। क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, क्यू और नंबर ऑफ ट्रायल एन, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो वो कम हो जाएगा मीन से। अच्छा, ये दोनों को डिवाइड करो तो क्यू मिलेगा, सिंपल है। अब ये है कंपैरिजन, अगर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 1/2 है तो वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पी लेस देन 1/2 है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस डेटा, और पी 1/2 से ज्यादा है तो नेगेटिव स्क्यू। ये सब हमारे लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये अगर आ गया तो मान लो इतनी बार पूछा गया है, लेकिन इसका यूज करके सम भी पूछा गया है जिसमें मीन और वेरियंस का यूज होगा, एन पी एंड एन पी क्यू। देखो ये दूसरा सम, मीन दिया है 2 और वेरियंस दिया है 6/5। अब ये जो सम है वो अगस्त 20 का लिया है, लेकिन ऐसे ही टाइप का सम हर बार जब पूछा गया है वो लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा ज्यादा पूछा था इसलिए ये सम मैंने लिया। देखो
मीन का मतलब होता है एनपी, तो एनपी इज इक्वल टू 2 हो गया। वेरियंस का मतलब होता है एनपी क्यू, एनपी क्यू 6/5 हो गया। अब आप एनपी क्यू डिवाइड बाय एनपी करो, एनपी क्यू डिवाइड बाय एनपी, एनपी एनपी के आंसर मिलेगा क्यू। तो एनपी क्यू 6/5 एंड एनपी इज इक्वल टू 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2/1 नीचे जो है उसको इनवर्स करके मल्टीप्लाई करो, 6/5 एज इट इज 1/2, 2 3 6, 3 1 3 एंड 5 1 5, सो क्यू इज इक्वल टू 3/5। अब एक और एक बात आपको पता है, P प्लस Q 1 होता है, तो यहाँ पे आपके पास Q है, 1 में से Q माइनस कर दो 2/5 मिलेगा, वो होगा आपका P। तो P एंड Q तैयार, P इज इक्वल टू 2/5, Q इज इक्वल टू 3/5। अब आपको अगर N चाहिए तो देखो ये NP इज इक्वल टू 2 है, तो NP इज इक्वल टू 2 लिखा, उसमें P का वैल्यू 2/5 डाल दो, 5 ऊपर मल्टीप्लीकेशन, 2 नीचे डिविजन, 2 कैंसिल, आंसर 5, N इज इक्वल टू 5। तो मुझे तीनों मिल गए पैरामीटर, अगर बोल रहे हैं फाइंड पैरामीटर, n इज इक्वल टू 5 एंड p इज इक्वल टू 2/5, दिस टू आर द पैरामीटर्स, यहां से पता चला। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि x लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी, यानी p0 प्लस p1 फाइंड करना है। अब आप सब लोगों को पता है p0 का प्रोबेबिलिटी मिल गया, फिर p1 का प्रोबेबिलिटी मिल गया, दोनों का प्लस करो तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन P0 कैसे मिलेगा, तो ये है कैलकुलेशन। P0 टोटल N इज इक्वल टू 5, तो 5C0 लिखेंगे, P1 है तो 5C1 लिखेंगे, और फॉर्मूला है P रेस टू 0। तो यहाँ पे P है 2/5, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है 2/5 रेस टू 0, ये 0 है तो 0, एंड Q रेस टू 3/5 रेस टू 5 माइनस 0 5। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 243/3125। सेम वे P1, सो 5C1। अब P रेस टू 1, क्यों यहाँ पे 1 है, 2/5 रेस टू 1 एंड 3/5 मीन्स Q रेस टू 5 माइनस 1 4। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 810/3125। ये दोनों आपको मिल गया, P0 P1, ये दोनों का टोटल करो, आपको मिल जाएगा P of x less than equal to 1, तो 243/3125, 810/3125, 243 plus 810, 1053 divided by 3125, ये लिखोगे तो भी चलेगा, डिवाइड करके जो आंसर आया वो लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे ये जो दूसरे सम्स है उसमें कहीं बोला है फाइंड पैरामीटर, यानी इतना फाइंड करके छोड़ देना पी एन क्यू, आपके मार्क्स फिक्स। और यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा था, P of x less than equal to 1, इसलिए ये सम ले लिया, पैरामीटर भी आ गया, ये भी आ गया। फाइंड पैरामीटर कैसे करना है, मीन और वेरियंस का यूज करके डिवाइड करके करना है, ये पता चल गया, यानी काम हो गया। और लास्ट थिंग ये, इसमें क्या है, मार्च 20, 18, 19, अगस्त 20, जुलाई 18, 19, सब में पूछा गया है। ये जो सम लिया है वो जुलाई 18, मार्च 20 वाला सम है, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट बेसिक वाला सेम है, फाइंड कॉन्स्टेंट, उसके बाद एडवांस क्या हो सकता है मीन, उसके बाद क्या हो सकता है वेरियंस, फाइंड करो वेरियंस का रूट करो, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल सकता है। तो इसमें आपको दिया P of x is equal to C into 4PX। अब ये अलग अलग तरीकों से दे सकते हैं जिसको हमें सॉल्व करना होता है, और x is equal to 0, 1, 2, 3, 4 अवेलेबल, फाइंड कॉन्स्टेंट C, कभी कभी कॉन्स्टेंट K होता है, फाइंड मीन एंड वेरियंस आल्सो। अब इसमें सब है, बाकी सब में कुछ पूछा है कुछ नहीं पूछा है, कभी कभी कॉन्स्टेंट पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं। आगे करते हैं बात आंसर, तो मैंने यहां से शुरू किया है, ये यहाँ पे बाद में, पहले ये देखो x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 जो यहाँ पे दिया गया था, फिर p of x इज इक्वल टू c इंटू 4px, p of x इज इक्वल टू c इंटू 4px। अब ये जो x है वो एक बार 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2, 3, 4, तो देखो 4P0, 4P1, 4P2, 4P3, 4P4, C as it is। अब ये 4P0 यानी 1 होता है, 4P1 यानी 4 होता है, 4P2 यानी 12 होता है, ये आपको पता है, इसको सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। सो 1C, 4C, 12C, 24C, 24C, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जब टोटल करते हैं तो आंसर 1 होता है। तो इसका यूटिलाइज करके हम लोग सी फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में
ये दोनों अवेलेबल हो, आपको बोलेंगे फाइन कॉन्स्टेंसी, 2 मार्क्स आपके। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे तैयार करना पड़ा, इसीलिए मैंने ये सब लिया है। अब देखो ये सबका टोटल लिखा, ये सबका टोटल 1, 65 सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1/65, तो सी मिल गया। अब ये सी का वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो 1/65, 12/65, 12/65, 24/65, ये मिला P of x का ओरिजिनल वैल्यू विद दी वैल्यू फॉर वैल्यूज ऑफ c। अब क्या हुआ सर, मुझे मीन और वेरियंस फाइंड करना है, तो मीन के लिए एकदम आसान है, x into px, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, लिखो 4 * 4, 4 * 65, 12 * 24 * 65, 24 * 3 = 76 * 65, 24 * 4 = 96 * 65, ये सबका टोटल करो तो 4 + 24 + 72 + 96 / 65, 196/65, ये जो मिला ये है मेरा मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसे बोलेंगे मीन। अब चाहिए वेरियंस, तो ये फिर से मल्टीप्लाई करो एक्स के साथ, 0 × 0 = 0, 1 × 4/65, 4/65, 2 × 24/65, 48/65, ऐसे मल्टीप्लाई करो, आंसर मिला इसका टोटल है, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों का यूज करके मैं वेरियंस फाइंड करूंगा। वेरियंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ये माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। तो लिख दिया 52 / 65 - 196/65 स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ये फाइनल आंसर, खत्म सम। अब ये सम में सब कवर हो रहा है इसीलिए ये लिया है, इसमें से छोटे छोटे सम अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं, कहीं बोला है कांस्टेंट सी फाइंड करो, कांस्टेंट के फाइंड करो, ये जो 4px दिया है उसकी जगह कुछ और दिया हो एक्स फैक्टोरियल और व्हाटएवर, करना तो यही है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये एक टाइप का खत्म हुआ, लेकिन मैक्सिमम कवर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय। हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड शॉर्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में एक बात समझ चुके हैं जो कॉमन था, कांस्टेंट फाइंड करो, उसके ऊपर से मीन वेरियंस कर सकते हैं या ऐसे टाइप के सम्स हो सकते हैं। दूसरा एक जो टॉपिक था जिसमें प्रॉपर्टीज का यूज करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, काम हो गए। अब आज है ना क्वेश्चन को समझना सीख रहे हैं। देखो मैंने क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में क्या आना चाहिए, कैसे सम करना है वो करेंगे, और कॉन्स्टेंट वाले तो करेंगे ही रिपीट। और आज के बाद आपका सेक्शन जो सी और डी है वो क्लियर कर देंगे। तो देखते हैं पहला सम, मार्च 20, 22, जुलाई 18, 3 बार एक ही सम, नो चेंज इन दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है क्या, उसमें बोला है कि एक बॉम्ब है जो एक पुल तोड़ने के लिए डाला जाता है, यानी सोचो एक पुल है उस पर बॉम्ब डालेंगे, वो बॉम्ब डालेंगे तो वो पुल पे गिरेगा, कोई प्लेन से उसको टारगेट करो और वो पुल पे गिरेगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/5, यानी पुल पे गिरने की पॉसिबिलिटी 1/5। अब यहाँ पे आपको पता है सक्सेस और फेलियर दो ही चीज है, पुल पे गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो पुल पे गिरेगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/5, 5 में से एक माइनस कर दो बाकी जो रहा 4/5, तो वो पुल पे नहीं गिरने का प्रोबेबिलिटी मिला। तो पुल पे बम गिरे उसका प्रोबेबिलिटी 1/5, 1 में से 1/5 माइनस करो 4/5, वो है आपका नहीं गिरने का प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन में दिया है जो हमने समझ लिया। दूसरा क्या बोला है, 2 bombs आर इनफ टू डिस्ट्रॉय ब्रिज, एक ब्रिज को तोड़ने के लिए 2 bombs तो इनफ है, 2 bombs में तो ब्रिज टूट जाएगा। अब आगे बात करते हैं तो क्या पूछ रहा है, 6 bombs आर ड्रॉप्ड, उसके ऊपर 6 bombs डाले, अब फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग पुल, वो पुल को तोड़ने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अब सिंपल है, 2 bombs डालेंगे, अगर वो उसके ऊपर गिर गए यानी पुल टूट जाएगा, 3 गिरा दो और टूट जाएगा, 4 गिरा तो भी, 5 गिरा तो भी,
छह गिरा तो भी, तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स जितने भी बम गिरे, टू या उससे ज्यादा गिरेंगे, पुल डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है, अब सम करने की शुरुआत हो रही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स, क्यों? क्योंकि पुल तोड़ना है तो दो बम काफी है, छह के छह गिरे तो पता नहीं पुल था कि नहीं, वही नहीं पता चलेगा। तो ये वो चीज है। देखो पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइव प्लस पी सिक्स, अगर ये करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि पुल टूट गया। अब स्टूडेंट्स कितनी बार सम करना पड़ेगा, पी टू फाइन करो, पी थ्री फाइन करो, यानी एक दो तीन चार पांच बार करो, तो आपके पास और एक ऑप्शन है। कल सीखे थे ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल होता है 1, यानी हम लोग सब प्रोबेबिलिटी ढूंढ ले उसका टोटल होगा 1। तो सब प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, 0, एक भी बम नहीं गिरेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 पॉसिबिलिटी है। अब टोटल होता है 1, मुझे चाहिए ये टोटल, तो एक काम करते हैं ना, 1 में से 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी टोटल करके माइनस कर देते हैं, तो 1 में से 0 1 माइनस कर दो, आंसर मिलेगा वो यही तो मिलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, पांच बार सम करो, यानी 2 3 4 5 6 सबकी पॉसिबिलिटी फाइंड करो, और दूसरा ऑप्शन 0 1 का प्रोबेबिलिटी, यानी बम नहीं गिरा उसका प्रोबेबिलिटी और एक बम गिरा उसका प्रोबेबिलिटी, ये फाइंड करो और उसको एक में से माइनस कर दो तो भी मिल जाएगा। तो शॉर्ट तो ये है। तो अब इसको करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सर P0 चाहिए, P1 चाहिए। अब P0 यहां पे मुझे ढूंढना है, P0 तो 6 बम डाले टोटल, 6 में से कितने गिरने चाहिए, तो यहां पे बोल रहे हैं 0 का प्रोबेबिलिटी 6C0। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इज इक्वल टू 1/5, जिसको 0.2 बोलेंगे, क्यू इज इक्वल टू 4/5, 0.8 बोलेंगे, 1 में से 0.2 माइनस कर दो, 0.8 मिल जाएगा, तो पी क्यू मिल गया। अब क्या करना है, 0.2 raised to 0, जैसे 6C0 लिखा ना कल मैंने सिखाया था, ये 0.2 raised to 0 एंड 0.8 raised to 6 माइनस 0.6, इसको सॉल्व करेंगे, 6C0 1, 0.2 raised to 0 1, 0.8 raised to 6, 0.2621, तीनों मल्टीप्लाई करो 0.2621, ये हो गया P0 का आंसर। मुझे P0 भी चाहिए, P1 भी चाहिए, वैसे तो ये सब चाहिए, लेकिन ढूंढने के लिए 1 में से माइनस करने से आसान बनता है, इसलिए ये चाहिए। तो P1, तो 6 में से एक बम गिरा 6C1, 0.2 raised to 1, 0.8 raised to 5, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.3932, तो ये दोनों मिल गए। सर P0 ये, P1 ये दोनों का टोटल करो और 1 में से माइनस कर दो, तो ये दोनों का टोटल किया, 1 में से माइनस किया, ये मिला, ये है पुल डिस्ट्रॉय होने का पॉसिबिलिटी। और ये जो टोटल किया वो पुल ना डिस्ट्रॉय हो उसका प्रोबेबिलिटी, तो हमको तो डिस्ट्रॉय का चाहिए, इसलिए ये ढूंढ लिया। ये सब हो गया 3 marks आपके। सोचो 3 mark का क्वेश्चन है, आसान है, बहुत आसान है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट May 21 में एक सम था। अब इसमें क्या पूछा गया है, एक सम है, क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक सम 6 स्टूडेंट्स को लिखने के लिए दिया। अब सम राइट हो उसका प्रोबेबिलिटी 0.6 है, सम राइट हो उसका प्रोबेबिलिटी 0.6 है। अब क्वेश्चन क्या है, अब देखो 0.6 राइट का है, इसका मतलब मुझे मान लेना है 1 minus 0.6, 0.4 रॉन्ग का पॉसिबिलिटी होगा, वो दिया नहीं है, समझ जाना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर दोनों का टोटल तो 1 होता है, एक में से माइनस कर दो दूसरा मिल जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, 2 out of 6 आर करेक्ट, यानी 6 स्टूडेंट्स को सम दिया, उसमें से 2 करेक्ट होने चाहिए, सिर्फ 2, तो मुझे पता है 6 में से 2 होने चाहिए, इसके जैसे एक बम गिरना चाहिए तो 6C1, 0 बम गिरना चाहिए तो 6C0, तो यहां पे 6 में से 2 को आना चाहिए, तो मुझे चाहिए 6C2, 6 में से 2 एग्जैक्ट, तो P2 फाइंड करना है। अब P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सर करेक्शन का प्रोबेबिलिटी, करेक्ट का प्रोबेबिलिटी है 0.6, रॉन्ग का प्रोबेबिलिटी 0.4, सम करते हैं P2 6C2, 0.6 raised to 2 ये 2 और 0.4 raised to 6 माइनस 2 4, इसको सॉल्व करो, 6C2 मींस 2 है ना, 2 डिजिट पीछे, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, इसका आंसर 0.36, इसका आंसर 0.0256,
सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.13824। आंसर खत्म, 3 मार्क्स आपके। अब सोचो आसान है तो कल के और आज के सम में डिफरेंस क्या है? कल जो ढूंढना था वो नॉर्मल वाला था, मैक्सिमम टाइम आ चुका है, कांस्टेंट फाइंड करो, मीन वेरिएंस फाइंड करो, दैट्स इट। प्रॉपर्टीज का यूज करो, प्रॉपर्टी लिखो, हो चुका है। आज क्वेश्चन समझो और सम करो, आसान तो है ही। अब यहां पे जा रहे हैं पहले, फिर ये दो नीचे करेंगे, ये रिपीटेशन है नीचे वाले, ये देखते हैं। मार्च 19 में जो क्वेश्चन है ना, उसमें भी क्वेश्चन को समझना है क्या बोला है। नॉन वेजिटेरियन पर्सन प्रोबेबिलिटी इज 0.2। कोई पर्सन है वो नॉन वेजिटेरियन है, उसका पॉसिबिलिटी कितना? 0.2। तो मान लेने का 1 - 0.2 यानी 0.8, वो है पॉसिबिलिटी ऑफ वेज। सिंपल। अब क्या बोल रहा है? एट द मोस्ट 2 नॉन वेजिटेरियंस आर देयर, ज्यादा से ज्यादा 2 नॉन वेजिटेरियन होने चाहिए। अब एट द मोस्ट 2 इसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 6 6 हैं, उसमें से ज्यादा 2, तो 2 होंगे तो चलेगा, 1 होगा तो चलेगा, 1 भी नॉन वेज नहीं होगा तो चलेगा। सो नॉन वेजिटेरियन कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 चलेगा। तो मुझे चाहिए P0 P1 P2। अब फिर से है तो 6 ही, 6 में से 0 60 61 62 वही तो चाहिए, ये रहा P0 P1 P2 60 61 62 0.2 0.2 raised to 0 0.8 raised to 6 minus 0 same way yahan pe 0.2 raised to 1 0.8 raised to 6 minus 1 0.2 raised to 2 0.8 raised to 6 minus 2। अभी सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.2621 0.3932 0.2458। ये तीनों मिल गया, मुझे चाहिए इसका टोटल, क्योंकि तीनों चाहिए एट द मोस्ट, उससे ज्यादा नहीं, तो वहां तक के सब। तीनों का टोटल कर दिया, आंसर आया ये 3 मार्क्स आपके। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आसान है। क्यों? क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आसान है। कल ये प्रैक्टिस नहीं हुई थी इसीलिए आज करवा रहा हूं। और लास्ट सम जो ऐसे टाइप का है, 4 cars इज फॉर रेंट। एक पर्सन है जिसके पास 4 कार है, जो रेंट पे देता है, भाड़े पे देता है। आगे लिखा है रेंट पे जाए उसका प्रोबेबिलिटी 0.6 है। कोई भी डे है उस दिन वो रेंट पे जाए गाड़ी, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.6। अब ध्यान से समझेंगे, 0.6 तो रेंट का प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन क्या है? मोर देन 1 बट लेस देन 4 cars आर रेंटेड, एक से ज्यादा कार जाए या 4 से कम होने चाहिए, यानी 1 और 4 के बीच में रेंट पे गाड़ी जाती है, वो फाइंड करो। तो 1 से ज्यादा यानी 2, 3, 4 होता है, लेकिन 4 नहीं लेना है, तो 2 और 3। तो मुझे क्या चाहिए? P2 plus P3। अब सिंपल है, P2 P3 मुझे चाहिए। अब बात आएगी, अगर P2 P3 चाहिए मतलब क्या? टोटल कितनी कार है? तो सर 4 कार है, तो 4 में से 2 4C2 और 4 में से 3 4C3। जैसे यहां पे किया, आज मैं जो प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं वो यही है। यहां पे कहीं फॉर्मूला नहीं लिखा, फिर भी आंसर आ जाएगा। देखो 4C2 0.6 रेंट पे जाने का प्रोबेबिलिटी 0.6 raised to 2 एंड रिमेनिंग 0.4 raised to 4 minus 2 2। सॉल्व करोगे आंसर ही आ जाएगा। अब मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया है बस। नेक्स्ट 4C3 0.6 raised to 3 0.4 raised to 4 minus 3 1। सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों का टोटल करो जो मुझे चाहिए, खत्म, 3 मार्क्स आपके। अब देखो ये 1 2 3 4 सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सम करवाया है, बाकी क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन तैयार। अब और प्रैक्टिस जो लास्ट लेक्चर में था, कांस्टेंट फाइंड करो, ये रहा कांस्टेंट वाला सम, ये भी है कांस्टेंट वाला सम। तो मार्च 18 में जो क्वेश्चन था उसमें दिया है x = -2 1 2, ऐसे नहीं दिया है मैंने, ऐसे लिखा है आसान करने के लिए। फिर दिया है p(x = x+3/10। हमारे पास ये और ये अवेलेबल है और बोलते हैं फाइंड कांस्टेंट। अच्छा इसमें तो कांस्टेंट भी तो नहीं है, यहां पे तो बोला फाइंड मीन ओनली, सिर्फ मीन फाइंड करना है। तो देखो x plus 3 upon 10, तो x का वैल्यू है -2, -2 plus 3 upon 10,
1 plus 3 upon 10, 2 plus 3 upon 10, answer है 1 upon 10, 4 upon 10, 5 upon 10. यहाँ पे constant तो find ही नहीं करना है, सिर्फ mean find करना है. और एक mean find करने के लिए क्या है, तो कल ही सिखाया था आसान, x into px कर दो, ये दोनों का multiplication, minus 2 into 1 upon 10, minus 4 upon 10, 1 into 4 upon 10, 4 upon 10, 2 into 5 upon 10, 10 upon 10, total करोगे तो 10 plus 4, 14, 14 minus 2, 12, 12 upon 10, means 1.2, जिसको बोलेंगे सिग्मा एक्स इंटू बी एक्स, इसी को तो मीन बोलते हैं. मीन मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मींस सिग्मा एक्स इंटू बी एक्स, यही आंसर. आगे कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन था. तो ये हो गया थोड़ा रिपीटेशन मीन के लिए. और यहां पे है कॉन्स्टेंट फाइंड करने के लिए. तो देखो कॉन्स्टेंट मार्च 19 में भी आपको एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 दिया है. P of x is equal to c into 1 upon 4 raised to x. इतना अवेलेबल है, बाकी सब कैलकुलेशन अब करेंगे. तो डाल दो ना सर जी, यहाँ पे x raised to है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे. तो देखो c as it is, 1 upon 4 as it is. पावर में x है, तो पावर में 1, 2, 3, 4 रख दिया. अब सॉल्व करेंगे तो 4 raised to 1, 4 होगा. 4 raised to 2, 16. 4 raised to 3, 64. 4 raised to 4, 256. 1 raised to कुछ भी करो आंसर 1 है. तो यहाँ पे आंसर है 1 upon 4 into c, 1 upon 16 into c, 1 upon 64 into c, 1 upon 256 into c. इतना मेरा आंसर आया. अब एक बात सुनो, टोटल होता है 1, ये हमें पता है. लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 4, 16, 64, 256 अलग अलग है. तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे, तो वो आसान हो जाएगा टोटल करने. तो देखो यहाँ पे 256 है, सब में 256 कर देते हैं. तो 4 into 64 करेंगे तो 256 होगा. तो 64 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 256 नीचे बन गए. और ऊपर 64 into 1, 64C, 16C, 4C and 1C, ये सबका टोटल होता है 1. तो यहाँ पे मैंने लिखा 64C plus 16C plus 4C plus 1C divided by 256. 85C upon 256 is equal to 1. साइड चेंज करो, 256 ऊपर, 85 नीचे, c is equal to 256 upon 85. ये हुआ मेरा कांस्टेंट c. तो ये कांस्टेंट वाला सम, ये मीन वाला सम रिपीट हुआ. बाकी सब सम्स में क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्व करना है. आपका आज 10 मार्क्स फिक्स कर दूंगा, 10 नहीं तो c और d की बात करें तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, 5 तो फिक्स कर दो. 2 लेक्चर 5 मार्क्स काफी है, 10-15 मिनट तो देने. आप भी देखो, दूसरों को भी दिखाओ और पास करो, टाइम कम है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ. बाय बाय. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आज सिर्फ 2 सम करेंगे, लेकिन आप 4 मार्क के लिए तैयार तो हो जाओगे. तो देखते हैं पहला सम, मार्च 18 मई 21. क्वेश्चन क्या दिया है, एक मॉल है जिसमें लोग आते हैं परचेस करते हैं, उसका जो परचेस है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में. तो इससे क्या पता चला, परचेस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो परचेस इज इक्वल टू एक्स, जो भी चीज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको एक्स बोलेंगे. हाइट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हाइट एक्स, वेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट एक्स, जो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोलेंगे x. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू परचेज, क्योंकि वहां पे बोला है मॉल में आने वाले जो कस्टमर है उसका बिल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो लिख दिया. दूसरा लिखा है एवरेज बिल अमाउंट इज 800 रुपीज. एवरेज का मतलब होता है मीन, मीन का मतलब होता है म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 800 हो गया. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बिल इज 200, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 200 हो गया. यानी यहां तक हमको दिया है. अब क्वेश्चन ये पूछा है बिल अमाउंट इज बिटवीन 850 टू 1200 एंड 600 टू 750, फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी. ये दोनों का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. यानी क्या फाइंड करना है, बिल अमाउंट ये दोनों के बीच में होना चाहिए. बिल अमाउंट का मतलब एक्स. अब क्वेश्चन समझ में आ गया ढूंढना क्या है, तो मैंने आंसर में लिखा है देखो 850 टू 1200, 850 टू 1200 एक्स का वैल्यू हो उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढ लो. सेम वे 600 टू 750, 600 टू 750 प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, एक्स का वैल्यू है ये दोनों के बीच, ये दोनों प्रोबेबिलिटी फाइंड करो. ये है क्वेश्चन.
कैसे पता चला? एक क्वेश्चन पढ़ के पता चला। अब स्टूडेंट्स एक बात खास जो हमें ध्यान रखनी है कि हमको x का यूज करके z फाइंड करना है, और z कैसे मिलता है? अगर मैं z की बात करूं तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यह है z फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। और आप लोगों को यहां पे जो दिया गया है x वो 850 है, यहां पे जो x है वो 1200 है। तो यहां पे 850 माइनस म्यू इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 200। सेम पे यहां पे देखो 1200 माइनस 800 अपॉन 200, आंसर आया 0.25 to 2। तो जो z का वैल्यू है वो ये दोनों के बीच में है, ऐसा प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे वो हमको मिल जाएगा कि वो 850 से 1200 के बीच में है, उसका क्या है। अब जो बात आती है वो सर जी डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी करेंगे। पहले ये भी देख लेते हैं, 600 है तो 600 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू 800, 200 माइनस 1, 750 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस 0.5। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो पहले ये करेंगे। इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया नीचे, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम जो आप सब लोगों को पता है, बीच में होता है जीरो। अब ये 0.25 प्लस है तो राइट साइड में आएगा पहले, फिर 2 है तो 2 आएगा, 0.25 से लेके 2 तक का एरिया ये जो ग्रीन कलर है वो मुझे फाइंड करना है। अब एक खास चीज, मुझे मिलेगा क्या जब मैं z टेबल में z का वैल्यू देखूंगा तो मुझे ये 0 से लेके 0.25 मिलेगा, 0 से लेके 2 का एरिया मिलेगा, मुझे ये जो चाहिए वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो देखो अगर मैं 0.25 पीछे z टेबल में देखता हूं और उसका वैल्यू देखेंगे तो मुझे मिलेगा 0 से लेके 0.25, यानी ये जो ब्लू कलर है वो 0.0987 ये मिला। सेम वे 0 से लेके 2 का एरिया मिलेगा 0.4772, ये पूरा एरिया मिला। अब आपको पता है ये भी मिला और ये भी मिला, तो ये पूरे एरिया में से अगर ये एरिया निकाल दूंगा, ये पूरे एरिया में से अगर ये एरिया निकाल देंगे तो मुझे जो आंसर चाहिए ग्रीन कलर वो मिल जाएगा। तो इसी को मैंने सामने डायग्राम में लिखा है कि जो पूरा एरिया है 0 to 2, ये 0 to 2 का एरिया जो 4772 है उसमें से ये आगे वाला एरिया निकाल दो, यानी आगे वाला यानी 0 से 0.25, ये 0.0987 इसमें से ये माइनस करो तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये डायग्राम बन गया। तो 0 से 2 ये लिखा 0 to 2 माइनस 0 to 0.25, 0 to 0.25 इसका वैल्यू है ये, इसका वैल्यू है ये दोनों माइनस किया आंसर आया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी दो बात आपके। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कैसे लिखना है। सेम वे अगर इसके डायग्राम की बात करें तो देखो मुझे क्या चाहिए, -1 to -0.5। तो इसके लिए भी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ये रहा सर -1 इस साइड आएगा, -0.5 उसके बाद आएगा, मुझे चाहिए ये एरिया जो ग्रीन कलर से किया है वो। लेकिन अगर z टेबल में पीछे देखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 से लेके 0.25, 0 से लेके 1 मिलेगा, यानी ये पूरा एरिया है 0.3413, ये इतना एरिया है 0.1915, ये पूरे एरिया में से ये निकाल दूंगा तो ग्रीन कलर मिलेगा। तो वही डायग्राम में ड्रॉ किया है, देखो ये पूरा एरिया यानी 0 से -1 इतना एरिया 0.3413, उसमें से माइनस करूंगा 0 to -0.5, ये दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखा है -1 to 0, 0.5 - 2, 0। अब इसमें से ये माइनस कर दिया, आंसर आया ये 2 मार्क आपके। समझना क्या था, डायग्राम कैसे बनाएंगे, आसान है, वेरी इजी। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे, सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही टाइप का है, सिर्फ वैल्यूज बदल गई, चीजें बदल गई। मार्च 20, 22, अगस्त 20, 3 बार पूछ चुके सेम सम। अब सम में क्या है, 500% आर चेक्ड, 500% है उनका हमने सर्वे किया, उनके वेट का सर्वे किया, वेट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लिखा वेट इज इक्वल टू एक्स, म्यू एंड सिग्मा अवेलेबल दे दिया है, कि इसका मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, दे दिया है। क्या बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए, पहला क्वेश्चन है
वेट 41 टू 62 उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, और दूसरा ये बोल रहे हैं वेट लेस देन 41 उसका वेट उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो दो सवाल फिर से, टू मार्क्स फोर मार्क्स। तो देखो क्या दिया है, 41 से 62 वेट, वेट मतलब एक्स, क्योंकि एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यहाँ पर वेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी एक्स हो गया। अब एक्स से कुछ नहीं होगा, मुझे चाहिए जेड, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस म्यू 55 डिवाइडेड बाय सिग्मा 7, सेम वे 62 माइनस 55 अपॉन 7, इसका आंसर है माइनस 221। तो ये ढूंढना है। दूसरा ये है एक्स का वैल्यू 41 से कम है, लेस देन इक्वल टू 41, 41 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा आंसर माइनस 2, तो माइनस 2 से जेड कम है वो ढूंढना है, क्योंकि एक्स के ऊपर से जेड ढूंढना है फिर सम होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें मुझे चाहिए माइनस 2 टू 1, तो माइनस 2 से लेफ्ट साइड 1 राइट साइड, यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया चाहिए, जो रेड है वो चाहिए, ब्लू है ये चाहिए, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे जब माइनस 2 देखना है तो 0 टू माइनस 2 आंसर मिलेगा, 1 देखूंगा तो 0 टू 1 मिलेगा, ये दोनों का जब टोटल करेंगे तो टोटल मिलेगा। तो देखो पहले मैंने ये ड्रॉ कर लिया, माइनस 2 टू 0 प्लस 0 टू 1, अब 2 देखेंगे 0.4772 और 1 देखेंगे 0.3413, यहां पे ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, 2 के लिए 0.4772 और 1 के लिए 0.3413, तो वो तो बदलेगा नहीं, z टेबल में देखोगे वही आएगा, दोनों का टोटल कर दिया आंसर आया ये। यहाँ पे एक चीज नहीं है, यहाँ पे बोले नंबर ऑफ पर्सन, खाली प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढना है, याद रख पर्सन भी ढूंढना है। तो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी आया उसको टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है n 500 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आंसर आएगा 409.25 समथिंग, वो आंसर आया। तो अप्रोक्सीमेटली 409 आंसर रहेगा, यानी 409 पर्सन ऐसे हैं जिनका वेट ये दोनों के बीच में होगा। यहां में यहां जो सम था उसमें क्या था, खाली प्रोबेबिलिटी, पर यहां पे जो है प्रोबेबिलिटी के साथ नंबर ऑफ पर्सन भी चाहिए, तो नंबर ऑफ पर्सन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सेम वे यहां पे आया x लेस देन 41, तो यहां पे z लेस देन माइनस 2 आया, तो ये डायग्राम बनाया, माइनस 2 यहां होता है लेस यानी लेफ्ट साइड, तो इस साइड माइनस 2 से कम। अब ये एरिया तो मुझे कभी मिलता नहीं है, मुझे तो 0 से लेके माइनस 2 मिल रहा है 0.477। अब क्या करेंगे, ये पूरा एरिया होता है 0.5, उसमें से ये एरिया निकाल दो तो ये बचेगा, तो वही लिखा ये पूरा एरिया 0.5 माइनस ये माइनस 2 से लेके 0 का एरिया माइनस कर, तो इसमें से ये एरिया माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस किया कि आंसर मिला। अब मुझे नंबर ऑफ पर्सन चाहिए मल्टीप्लाई विद 500, आंसर है 11.4, अप्रोक्सीमेटली 11 persons are there whose weight is less than 41, 41 से कम वेट वाले 11 persons है। सम खत्म, 2 मार्क्स आपके। देखने जाओगे तो ये दोनों सेम टाइप के हैं, ऐसा ही आगे पूछा गया है और भी। कॉन्सेप्ट क्या समझना है, एक्स क्या है, क्या ढूंढना है, म्यू क्या है, कभी कभी ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यानी वेरियंस, अगर वेरियंस दिया है तो रूट करके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कर लो, सेकंड चैप्टर में सीख चुके हैं, सेम यहां पे एप्लीकेबल। नेक्स्ट लेक्चर में और सम करेंगे इसी चैप्टर के डिटेल में। बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 सम किए थे और बताया था कि ऐसे टाइप के सम होते हैं जिसमें डिसाइड करना था म्यू सिग्मा दिया है और कोई रेंज दिया है जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और कभी कभी उसके रिलेटेड हमको आगे भी सम करना पड़ता है, एन से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ यूनिट्स, व्हाटएवर रेट में भी फाइंड करना पड़ता है। आज हम लोग आगे कर रहे हैं और आज के बाद आपके 6 मार्क्स फिक्स कर देंगे। तो पहला है मार्च 19 का सम, ये मार्च 19 में क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। 1000 persons height is analyzed, 1000 लोगों का हाइट चेक किया गया जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा पता चला। अब हाइट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है का मतलब क्या, x इज इक्वल टू हाइट, और 1000 person का चेकिंग हुआ यानी n इज इक्वल टू 1000,
यहां तक तो हो गया क्लियर। अब दूसरा क्या दिया है, मीन ऑफ द हाइट इज 165 एंड वेरियंस यानी सिग्मा स्क्वायर 100। अब सिग्मा स्क्वायर दिया है मुझे, अगर उसका रूट करेंगे तो सिग्मा मिलेगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। फाइंड लिखा क्या है, फाइंड थर्ड डिसाइल एंड 60th परसेंटाइल। अब थर्ड डिसाइल का मतलब है D3 और 60th परसेंटाइल का मतलब है P60 फाइंड करना है। डिसाइल यानी 10 पार्ट करता है, एक पार्ट 10% और परसेंटाइल यानी 100 पार्ट होता है, एक पार्ट यानी 1%। तो यहाँ पे D3 है मतलब 30% बताया गया है और यहाँ पे P60 है यानी 60% बताया गया है। ये मुझे ढूंढना है। अब सिंपल है, आपके पास म्यू है, सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा मिल जाएगा जो सिग्मा होता है 10 और 1000% यानी n इज इक्वल टू 1000 भी पता चल गया। हाइट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है यानी x इज इक्वल टू हाइट फाइंड करना है, यानी हाइट x है। अब सम करते हैं D3 के लिए, पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये डायग्राम में यहां से शुरू करेंगे, आपको पता है ये मिडल में है यानी 50% लेफ्ट साइड 50% आई साइड, लेकिन जब ये डिसाइल परसेंटाइल क्वार्टाइल दिया हो तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से। तो 30% तक जाना हो तो सर 50 से पहले 30 आ जाता है, तो मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ किया, D3 लिख दिया, D3 में 30%। अभी D3 तो ढूंढना है, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना पता है यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है वो 30% है यानी 0.3 है। अब मैं जो सम कर सकता हूं उसमें तो मुझे जीरो से एरिया चाहिए, तो जीरो से कितना होगा सर, टोटल 50% है, उसमें से 30% निकाल दो तो 0.2 20% होता है। अब ये 0.2 को जेड टेबल में रिवर्स देखेंगे, रिवर्स टेबल चेकिंग करेंगे। तो जब रिवर्स चेक करेंगे जेड टेबल में तो मुझे जेड मिलेगा और वो जेड का यूज करके D3 फाइंड करेंगे। तो जब आप 0.2 देखोगे जेड टेबल में रिवर्स तो आपको मिलेगा 0.1985 जो है 0.52 जेड के सामने, और दूसरा है 0.2019, ये दोनों के बीच में 0.2 यानी 2000 आता है। अब मुझे करना है एवरेज, ये दोनों का एवरेज है, ये दोनों का एवरेज है, ये जेड का एवरेज है और ये वैल्यू जो है एरिया उसका एवरेज है। अब बात करें आगे, तो ये जो 2000 है वो 2000 किसके नियर है, अगर ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 0.0015, अगर ये और ये डिफरेंस देखेंगे तो 0.0019, और एवरेज और 2000 का डिफरेंस देखेंगे तो 0.0002। सर ये तीनों में से ये 2000 इसके नियर है और इसलिए इसका जो सामने आंसर है Z एवरेज वो है मेरा Z 0.525। तो इसका मतलब ये हुआ Z इज इक्वल टू 525 है, 0.525। अब लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस में आंसर आएगा, ये माइनस Z का वैल्यू है, Z माइनस में है, Z माइनस में, माइनस Z नहीं, Z माइनस में। तो Z इज इक्वल टू X माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे D3 फाइंड करना है, तो D3 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, Z इज इक्वल टू -5 -0.525 = D3 -165 और इसका हो जाएगा 10 क्योंकि रूट करेंगे डिवाइड बाय म्यू सिग्मा 10। अब सॉल्व करो, ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई करो तो -5.25 आएगा, -165 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +165 -5.25 आंसर आएगा 159.75 जो मेरा D3 है। काम खत्म, 2 मार्क्स आपके। दूसरा बोला है P60, तो फिर से डायग्राम ड्रॉ किया, सर 50% यहां तक होता है, 60 तक जाना है तो 10% और, तो P60 मिला। तो ये जो बाकी का एरिया है वो 10% है, 0.1, जीरो से लेके इतना एरिया 0.1 है, मुझे जीरो से एरिया चाहिए तब मैं फाइंड कर सकता हूं। तो यहाँ पे 0.1 को फिर से रिवर्स टेबल में देखेंगे, 0.1 यानी 1000 पीछे लगा देते हैं 1000, अब वो किसके बीच में है, 0.0987 0.1026 ये दोनों के बीच में, जिसका जेड का वैल्यू ये है, इनका एवरेज निकाल दिया। अब फिर से कंपैरिजन होगा, सर 1000 को इससे कंपेयर करेंगे तो 0.0013 आएगा,
अगर 1000 को इससे कंपेयर करेंगे तो 0.0026 आएगा, 1000 को इससे कंपेयर करेंगे तो 0.0065 आएगा। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, सर यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 65 है, तो ये 13 से नियर है, ये हो गया आपका बड़ा गलती। यहाँ पे पॉइंट के पीछे 5 नंबर्स है, यहाँ पे पॉइंट के पीछे 4 नंबर है, तो आपको ये जो ग्रीन कलर से लिख रहा है ना 0, वो मैंने लगा दिया 5 करने के लिए। सेम वे यहाँ पे भी 0 लगा दिया 5 करने के लिए। अब कंपेरिजन करो, ये 130 है, ये 260 है, ये 65 है, सर इसके नियर है, तो ये मेरा आंसर रहेगा 0.255, जो मैंने लिख दिया 0.255, ये है Z, राइट साइड है इसलिए प्लस है। फिर से फॉर्मूला में डालेंगे, Z is equal to P60 minus 165 upon 10, यहाँ पे X की जगह पे P60, क्योंकि P60 मेरे को ढूंढना है, 10 सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.255 into 10, आंसर आएगा 2.55, 165 प्लस हो जाएगा 167.55, तो P60 मिल गया। ये दोनों मिल गए तो 2 मार्क्स 4 मार्क्स आपके, तो ये पूरा सम 4 मार्क्स में आता है। अब ये कल से थोड़ा डिफरेंट है, बाकी कैलकुलेशन तो वही है। आगे बात करते हैं मार्च 19 में, अब ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, ये जो था वो 4 मार्क्स वाला था, अब ये क्या है, तो इसमें हमें दिया है Q1 is equal to 10, Q3 is equal to 30, find mean deviation, mean deviation ढूंढना है। अब एक और बात बता देता हूं स्टूडेंट्स, कि ये चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। पेज नंबर 109 पे सब प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, वो प्रॉपर्टी में से मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखना है। तो सर मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा है, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, लेकिन मुझे अवेलेबल है Q1 एंड Q3, तो Q1 और Q3 के लिए एक और फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, जो 11 स्टैंडर्ड में भी था। क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1/2, और प्रॉपर्टीज में दिया है 2/3 सिग्मा, ये दोनों फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन की है। अब यहां पे तो मैं सम ये ले रहा हूं, तो ये दोनों का यूज करेंगे, Q3 माइनस Q1/2 इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा, क्योंकि ये जो है वो दोनों क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। अब Q3 30, Q1 10, 30 माइनस 10/2, 2/3 सिग्मा, आंसर आएगा 10, ये 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 15 आंसर मिला, तो सिग्मा मिल गया सर जी। अब सिग्मा मिला तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू डाल दो, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा, 4/5 इंटू 15 आंसर इज 12, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 12, 2 मार्क्स आपके, सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी आ गया, ये आ गया, अब प्रॉपर्टी नहीं भी आता है तो ये तो आ गया, सिंपल। आगे बात करते हैं मार्च 18 में दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें ये डेंसिटी फंक्शन दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल एक्स, ये डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल एक्स है। अब वो डेंसिटी फंक्शन याद रखना ही रखना है, कहीं 1 मार्क में होगा या 2 मार्क में होगा या 3 मार्क में होगा, होगा तो सही। अब डेंसिटी फंक्शन से क्या मिलता है, एक बात फिक्स है, म्यू एंड सिग्मा, म्यू सिग्मा ढूंढ लो, यानी पैरामीटर्स ढूंढ लो, पैरामीटर ढूंढने के बाद तो सब आसान है। तो ये डेंसिटी फंक्शन दिया ही इसलिए होता है जैसे आप पैरामीटर फाइंड कर पाओ, कभी कभी बोलते हैं राइट डेंसिटी फंक्शन, म्यू सिग्मा दे देते हैं, तो वो डेंसिटी फंक्शन में म्यू सिग्मा का वैल्यू डाल दो। अब डेंसिटी फंक्शन है क्या, यहाँ पे आपको दिया हुआ है और बोलते हैं Q3 फाइंड करो, सिंपल। तो देखो f(x), ये ओरिजिनल डेंसिटी फंक्शन आंसर बता रहा हूं, f(x) इज इक्वल टू 1/σ अंडर रूट 2π इनटू e^-1/2x-μ/σ होल स्क्वायर, ये है डेंसिटी फंक्शन, याद रखने का ट्रिक मेरे पास नहीं है। अब देखते हैं आगे, हमें क्या दिया है, सर ये दिया है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मतलब ये जो दिया है 1/σ अंडर रूट 2π, ये है कांस्टेंट। अब e^-1/2 ओरिजिनल फार्मूला में है, यहां पे e^-1/50 है, तो 2 मुझे चाहिए तो उसको अलग कर दिया, देखो e^-1/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 होगा, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकता, पार्ट कर सकता हूं,
इसके दो पार्ट कर दिए, 2 × 25 सर 50 होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे 2 लाया, -1/2 × 25 ब्रैकेट में x-10/10² ये तो दिया ही है। अच्छा अब क्या करूंगा, ये कांस्टेंट तो एज इट इज है, e^-1/2 बाहर रखना है, ये 25 को अंदर ले जाओ, तो जब स्क्वायर है तो इसको रूट करके अंदर ले जाना, इसका रूट करो 5, अंदर ले गए 5, तो x-10/5 होल स्क्वायर। अब मुझे पता चला इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे ओरिजिनल के साथ, तो ये x एज इट इज, -1/2 एज इट इज, -μ तो -10, सिग्मा 5, तो ये मिला मुझे μ = 10, σ = 5। अब काम सब आसान है, जो फाइंड करने को बोले बोले तो कर दे। अब हमको क्या बोल रहा है, सब Q3 फाइंड करो, ये भी प्रॉपर्टीज में अवेलेबल है, Q3 = μ + 0.675 σ, μ का वैल्यू क्या है 10, सिग्मा का वैल्यू 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई प्लस ये आंसर आएगा 13.375। ये हो गया मेरा 2 marker क्वेश्चन खत्म। तो 1 marks क्या मिलेंगे म्यू और सिग्मा फाइंड करने के लिए, उसका यूटिलाइज करके दूसरा कुछ ढूंढना है, और 1 mark यानी 2 mark आपका। पता कैसे चला, ये डेंसिटी फंक्शन से। अब ऐसा भी बहुत बार आ चुका है, डेंसिटी फंक्शन उसके ऊपर से पैरामीटर्स म्यू सिग्मा फाइंड कर लो, फिर ये थोड़ा रिपीटेशन करते हैं जो यहां करवाया वही। इसमें आप लोगों को म्यू सिग्मा दिया था सेंटेंसेस, फिर बोला है D3 P60 फाइंड कर लो, यहां पे भी वही है, लेकिन डायरेक्ट दे दिया है म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, इसको रूट करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा, तो सिग्मा 30 म्यू 400, फाइंड फोर्थ डिसाइल, क्या बोला है फोर्थ डिसाइल यानी D4 90th percentile P90, अब डिसाइल यानी 10 10%, 10 20 30 40, D4 यानी 40%, तो एक डायग्राम बना लिया, D4 कर दिया यानी 40% इससे कम रहेगा, क्योंकि 50% से कम होना चाहिए, तो D4 40%। अच्छा ये कितना पार्ट होगा सर, 10%, 50% में से 40% निकाल दो तो 10% रहा ना, तो 10% है मेरा 0.1। अब 0.1 के लिए z तो ढूंढ चुके हैं, ये रहा यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया ना, ये 0.1 था, उसके लिए कैलकुलेशन हो चुका है 0.255, तो यहाँ पे भी 1 ही तो है, 0.255 रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड। अब z मिल गया, z1 = d4 - μ/σ, क्योंकि यहाँ पे d4 चाहिए, ये माइनस 400, ये रहा सिग्मा 30, ये 30 मल्टीप्लाई करो 400 प्लस करो आंसर आएगा d4 = 392.35, इसी का रिपीटेशन। अब March 18, March 19 दोनों में पूछा गया है, बड़ी एक बात ये है 4 marks में जब पूछते ना तो 2 options में आते, उसमें से एक तो आएगा ही आएगा ये लेक्चर्स करने के बाद, सिंपल। चल और एक बात, P90 ये टोटल बना दिया 90, अब 50% से ज्यादा 90 होता है यहां से जाएंगे तो P90 यहां लिख दिया, 50% निकाल दो तो बचा 4000 यानी 40%। अब 40% को अगर आप ऐसे चेक करोगे जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया तो आपका आंसर आएगा 1.28, तो इस साइड है तो प्लस है, फिर से सेट टू 1.28 P90 - 400 = 30 को मल्टीप्लाई करो 400 प्लस करो आंसर आएगा ये 2 marks आपके, 2 + 2 4 marks सम खत्म। ये 4 mark वाले 2 sum थे, ये 2 mark वाला सम है, ये भी 2 marks वाला है, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन दिया है पैरामीटर फाइंड करो, यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी है हमको प्रॉपर्टी का यूज करके सम करना है। और आज के लिए लास्ट सम, मार्च 19 में पूछा था, जुलाई 18 में भी सेम सम था, उसमें पेट्रोल के बारे में बात की है, सेल ऑफ पेट्रोल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप है जहां पे पेट्रोल बिकता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर बताया है μ 33,000 σ 3,000, फाइंड सेल ऑफ पेट्रोल इज लेस देन 30,000 liter, 30,000 liter से कम हो उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, 2 questions पूछे हैं, एक लिया है दूसरा आ जाएगा, तो ये मुझे फाइंड करना है, तो सिंपल है, कल वाला रिपीटेशन करवा रहा हूं जैसे भूल ना जाओ, तो ये मुझे फाइंड करना है, तो x से कुछ नहीं मिलता मुझे तो z चाहिए, तो z कैसे मिला,
एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 30 रहा है, माइनस 33,000 माइनस 33,000 अपॉन 3,000 आंसर माइनस वन, माइनस वन से जेड लेस है, तो माइनस वन यानी लेफ्ट साइड, उससे लेस यानी ये एरिया चाहिए। अब आपको पता है ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, उसमें से ये निकाल दो, ये पूरे एरिया में से माइनस वन तक का एरिया निकाल दो, 0.5 माइनस 0.3413 ये लिखा, 0.5 माइनस 0.3413 आंसर आया ये। अब ये सब में ऐसा पूछा है फाइंड परसेंटेज ऑफ डेज, कितना परसेंटेज है। अब ये है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज मिल जाए, सम खत्म, 2 मार्क्स आपके। तो स्टूडेंट्स ये सब करने के बाद और कल का लेक्चर करने के बाद 100% 4+2 6 मार्क्स फिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर, बाय। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लिमिट। अब सोच लो लिमिट में बहुत सारा हार्ड है, लोग ऐसा कहते हैं, मेरे हिसाब से हार्ड नहीं है। आज हम लोग एक ही लेक्चर करेंगे, शॉर्ट लेक्चर, और ट्राई करेंगे कि 6 मार्क्स का जो होता है ना उसमें से आपके 3 या 4 मार्क्स आ जाए। अगर लक अच्छे हैं तो 6 out of 6 फिक्स कर देंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सम करते हैं, देखो ध्यान से। मार्च 18, मार्च 20, मार्च 22, 3 ईयर्स कंटिन्यूस, ये तीनों साल में एक ही सम पूछा, सेम, नो चेंज इन वैल्यू। आप लोगों को थोड़ा याद करवा लू, मॉड्यूलस फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म एंड इंटरवल फॉर्म, वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट। लिमिट को जब एक्सटेंस टू हम बताते हैं कुछ, तो जो लिमिट फाइंड करते हैं तो वो किसके नियर है उसकी बात होती है। तो ये फॉर्म है उसको प्रेजेंट करने के अलग अलग, तो वैसे टाइप का इक्वेशन 2 मार्क में था। नेबरहुड यानी n, n, a, theta, delta, a, n, delta, अल्फा एंड डेल्टा, नेबरहुड अल्फा डेल्टा। दूसरा है मॉड्यूलस x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा, और तीसरा है इंटरवल फॉर्म अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा। ये 3 वेज, 3 तरीकों से आप इसको लिख सकते हो। तो लिखने के तरीके हैं, अल्फा डेल्टा नेबरहुड n लिखा है तो याद रखना लिमिट में n, दूसरे चैप्टर में भी है x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस साइन से भी हम इसको शो कर सकते हैं, मीनिंग एक ही है तीनों का। इंटरवल फॉर्म x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन है आपका ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, x मॉड्यूलस x प्लस 1 लेस देन 0.5, ये है क्वेश्चन। आपको बोला है इंटरवल फॉर्म एंड नेबरहुड फॉर्म लिखो, इतना ही क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन दिया, सिर्फ इतना है x प्लस 1 मॉड्यूलस लेस देन 0.5। अब आपको क्या करना है, जो भी दिया है ना उसके साथ कंपैरिजन करो। ये रहा मॉड्यूलस फॉर्म, ये मॉड्यूलस फॉर्म मैंने यहां लिख दिया, मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, ये लिख दिया। अब कंपैरिजन करते हैं क्योंकि जो दिया है उसी के साथ तो कंपेयर होगा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, अल्फा एंड डेल्टा, ये दो चीजें मिलेंगी। देखो यहां पे ये दोनों को कंपेयर करेंगे, x x है, हाँ है सर, ये माइनस a है, यहाँ पे प्लस 1 है, सर साइन चेंज है तो a इज इक्वल टू माइनस 1 लिखेंगे, साइन चेंज माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, और ये डेल्टा को कंपेयर करो 0.5 के साथ, डेल्टा इज इक्वल टू 0.5, तो ये दोनों मुझे मिल गए अल्फा एंड डेल्टा। अब ये अल्फा डेल्टा का वैल्यू ये नेबरहुड फॉर्म में डाल दो, सो नेबरहुड n अल्फा माइनस 1 तो माइनस 1, डेल्टा 0.5 तो 0.5, दैट्स इट, खत्म। तो ये हो गया हमारा नेबरहुड फॉर्म। अब इसमें डाल दो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, तो अल्फा है मेरे लिए माइनस 1 तो माइनस 1 माइनस 0.5 माइनस 1 प्लस 0.5 आंसर आएगा माइनस 1.5 माइनस 0.5, ये ब्रैकेट यानी इंटरवल फॉर्म। ये दो फॉर्म देखे 2 मार्क्स आपके सम खत्म हो गया, इतना आसान, ज्यादा मेहनत ना करे सब सम्स की तो ये भी हो सकता है।
आगे बात करते हैं May 21। May 21 में भी ऐसा ही सम है, मॉड्यूलस फॉर्म आपको दिया गया है। आपको दिया क्या है ध्यान से देखना, 3x ये दिया है सिर्फ, 3x + 1 मॉड्यूलस लेस देन 2 इतना अवेलेबल है, ये नहीं है सिर्फ इतना है 3x + 1 लेस देन 2। अब मैं फिर से इसको कंपेयर करता हूं हमारे मॉड्यूलस फॉर्म से, तो मॉड्यूलस फॉर्म लिख दिया। अब देखो यहां पे कंपैरिजन करेंगे तो x और यहां पे है 3x, तो ये x के साथ कंपेयर होना चाहिए, यहां पे 3 है इसलिए मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड एक को नहीं किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, तीनों को 3 से डिवाइड किया। एक्चुअली ये 3 था नहीं, क्यों किया, x के साथ 3 है, यहां पे x के साथ कुछ नहीं है तो कंपैरिजन सेम होता है, तब हम कंपैरिजन से आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सेम करने के लिए डिवाइड बाय 3 किया तो सबको डिवाइड बाय 3 किया। अब कंपैरिजन हो सकता है, x x हो गया, 3 3 कैंसिल तो x हो गया, a माइनस है यहां पे प्लस है तो आंसर माइनस में लिखेंगे, तो आएगा a = -1/3, तो यहां पे लिखा a = -1/3, डेल्टा = 2/3। अब अल्फा डेल्टा मिल गया, फिर आप नेबरहुड फॉर्म एंड मॉड्यूलर ये इंटरवल फॉर्म आराम से लिख सकते हो। ये दो हमारे सम हुए, किया क्या है, सिर्फ यूज किया है अलग अलग फॉर्म्स का। सेम वे मार्च 18 में एक और क्वेश्चन भी था मॉड्यूलस के रिलेटेड, कंपैरिजन दिया है। ये क्वेश्चन है x - 10 k1 = k2 10.0। अब याद रखना ये इंटरवल फॉर्म है, यहाँ पे n नहीं दिया ना, या कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि n दिया है तो ये नेबरहुड है, यहाँ पे सिर्फ इंटरवल है तो ये इंटरवल फॉर्म है, ब्रैकेट है तो इंटरवल। अब कंपैरिजन करने के लिए फिर से ये चीजें डाल देते हैं, मॉड्यूलस लिख दिया यहाँ पे, इंटरवल लिख दिया यहाँ पे। अब कंपेयर करते हैं x x ओके डन, a = 10, यहाँ पे माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि साइन सेम है, α = 10, डेल्टा = k1, α - δ = k2, α + δ = 10.0। अब जहां पे जो आता है कर देते हैं, a = 10 तो यहाँ पे a 10 लिखा, डेल्टा पता नहीं है, k2 पता नहीं है इसलिए अभी नहीं लिखा है वहां, फिर a = 10, फिर से a = 10, डेल्टा = don't know 10.02। अब यहां से मुझे पहले डेल्टा मिलेगा, 10 की साइड चेंज करो, डेल्टा = 0.0। अब ये डेटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, डेटा = -0.01, 10 - 0.01 आंसर 9.99, k2 = 9.99, तो k2 मिल गया, k1 = डेटा, तो डेटा = 0.01, दोनों वैल्यू मिल गया, काम खत्म, 2 marks आपके। अब ये चैप्टर जो है उसमें 2 mark के 2 questions होंगे और 4 mark का 1 question होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होते हैं इसलिए सब सम हो जाएंगे। चलो बात करते हैं आगे, मार्च 18 में फिर से 2 mark का क्वेश्चन था, limit x tends to 4, और ये है क्वेश्चन। अब जो ध्यान देना है वो, जब हमें लिमिट फाइंड करना हो तो हमारा पहला स्टेप क्या है, x का वैल्यू जो दिया है 4 वो यहां पे रखो फंक्शन में, अगर आंसर 0/0 आया तो फैक्टराइजेशन करो फिर x का वैल्यू रखो, अगर आंसर ये रखने से आ जाता है तो हमें आगे फैक्टराइजेशन करना नहीं है। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हो, सीधा फैक्टराइजेशन करते हो, ये मत करना, पहले आपको चेक तो करना ही है, ये 4 डालो तो 4 यहाँ पे रख दो, 4² -2 × 4 - 3 / 4² - 1, अब 4² = 16, 4² = 8, -3 as it is, 4² = 16 - 1, ये सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1/3। देखो आंसर आ गया तो फैक्टराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके 2 marks फिक्स हो गए, और जनरली फैक्टराइजेशन वाला सम होगा तो क्या होगा, 4 marks में होगा जनरली, ओके 2 marks आपके, काम खत्म। अगर देखो दूसरा काम मैंने लिया ही है, इसमें क्या है मार्च 19 में ये दिया है, इसमें आप एक्स का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1² = 1, 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 - 3 = 0, 1² = 1, 1 - 1 = 0, तो 0/0 आ रहा है तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन आप सब लोग सीख चुके हो 8th, 9th, 10th में, उसकी मेहनत अब करवाने का टाइम नहीं है, लेकिन ट्राई करूंगा शॉर्ट में समझ में आ जाए, ठीक है, बाकी मेरे लेक्चर्स तो है ही जो सिर्फ फैक्टराइजेशन के लिए बने हैं।
देखते हैं यहाँ पे, पहले मैंने ऊपर वाले को साइड में ले लिया, 2x² + x - 3। अब 3 2 6 6 के दो पार्ट्स करो, तो देखो 3 2 6 तो +3x - 2x आंसर 1x, ये इसके दो पार्ट कर दिए, +3x - 2x, 2x² as it is - 3 as it is। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x, x कॉमन 2x as it is, x कॉमन +3 as it is, -1 कॉमन +2x + 3, तो 2x + 3 अलग रखो, x - 1 अलग रखो, ये हो गया एक फैक्टर इसका। नीचे दिया है जो x² - 1, तो x² - 1² रखो, क्या फर्क पड़ता है। अब एक और बात, जब स्क्वायर दिया हो और मिडल में माइनस साइन हो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, स्क्वायर निकाल दो यानी रूट करो, x - 1 x + 1, स्क्वायर निकाल के एक बार माइनस एक बार प्लस, ये हो गया फैक्टर। अब ये दोनों फैक्टर्स की वैल्यू रख दी, x - 1 x - 1 कैंसिल, अब जो x का वैल्यू 1 है यहाँ पे रख देते हैं, 2 × 1 + 3 1 + 1 2 + 2 + 3 5 5 / 2 आंसर सम खत्म, ये सम आपका 2 marks। अब ध्यान से अगर सोचोगे तो फैक्टराइजेशन क्यों करना पड़ा, आंसर 0/0 आया डायरेक्ट, इसलिए यहाँ पे सीधा आंसर मिल गया तो फैक्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आपको एक सम तो आएगा ही आएगा, दूसरा ये सम समझो, कभी कभी थोड़ी थियरी पूछ लेते हैं। चल और आगे की बात करते हैं, सब अलग अलग टाइप के सम लेने की कोशिश की है, July 18 और March 19 में ये सम था जिसमें क्वेश्चन इतना ही है, limit x tends to 2, root x plus 7 minus 3, x minus 2, अब इतना दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ये जो रूट है, अगर रूट दिया हो तो बीच में मिडल साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करके लिखो, तो ऊपर नीचे दोनों लिखो, अगर नीचे दिया हो तो भी सामने मल्टीप्लाई करो, ऐसा करने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो देखो क्या करते हैं, ये दोनों को ये प्लस ये माइनस, इसका उल्टा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर निकाल के x माइनस वन x प्लस वन किया, अब एक बार माइनस एक बार प्लस है, अगर इनको मल्टीप्लाई करना हो तो x² - 1² ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा हो गया, देखो एक बार माइनस एक बार प्लस, बाकी सब सेम है, तो रूट x प्लस 7 स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 7 आएगा, माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, डिवाइड बाई ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो x - 2 x - 2 नीचे as it is जो है वो x - 2 x - 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू, यहाँ पे रखो सम करो सॉल्व करो 1.6 आंसर मिला। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपका 4 marks बहुत आसानी से मिल जाएगा, 2 marks में पूछते तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो आज बता रहा हूँ कि काम 6 marks का कर रहे हैं, लेकिन लक के ऊपर डिपेंड है, 2 मिले 3 मिले 4 मिले या 6 मिले। आगे बात करते हैं, जुलाई 19 मार्च 20 में भी सम है, उसमें भी वही फैक्टराइजेशन की बात है, अगर आप x का वैल्यू 3 डालोगे तो 0.0 आएगा, तो मुझे करना पड़ेगा फैक्टर। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन ऐसे होता है वो मैंने बताया, डिटेल नहीं बताया, एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जो कोई टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, और हो सके तो सीख लो, आज तक बहुत कम लोगों को सिखाया है, आज ऑनलाइन सिखा देता हूं, जितनों को सीखना है सीख ले। स्टूडेंट्स ये x टेंड्स टू 3 है, तो इससे मुझे पता चलता है कि ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर होगा, ये 3 का साइड चेंज करो तो x - 3, तो x - 3 x - 3 ऊपर नीचे कॉमन होगा, ये मुझे पहले से पता है, तो मैंने ये x - 3 x - 3 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये जो x है इसमें से x कॉमन, ये x square में से x निकाल दिया, बचा क्या x, वो दूसरे ब्रैकेट में लिखा x, सेम वे लास्ट वाले में से -1 कॉमन तो बचा क्या +1, अरे -3 कॉमन बचा +1, तो ये हो गया दूसरा ब्रैकेट, यही हमारा फैक्टर है। नीचे बात करते हैं, ये x square है उसमें से x कॉमन, बचा x यहां पे लिख दिया, पीछे वाला जो है +6 उसमें से -3 कॉमन, -3 × 2 तो -2 यहां पे रहेगा, -3 - 2 6 हो गया, तो इसमें से -3 कॉमन -2, ये हो गया रिमेनिंग फैक्टर, विदाउट एनी कैलकुलेशन आई कैन सॉल्व इट, यहां पे भी कर सकते हैं। देखो x टेंड्स टू 1 है, साइड चेंज करो -1, x माइनस वन कॉमन फैक्टर है, अब देखो 2x² है उसमें से x कॉमन निकल गया तो 1x निकल गया, 2x बचा, लिखा -3 में से -1 निकला तो +3 बचा, तो यही तो फैक्टर था विदाउट
कैलकुलेशन यू कैन राइट। तो यहाँ पे कैंसिल करके x टेंस टू 3 है तो 3 प्लस 1 3 माइनस 2 आंसर 4 अपॉन 1 आंसर 4। टू मार्कर क्वेश्चन जलसा करो आसान है, सॉरी 4 मार्कर क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करते हैं एकदम अलग टाइप का सवाल। मार्च 19 में पूछा गया लिमिट x टेंस टू माइनस 2 x टेंस टू 5 माइनस 32 डिवाइड बाई x माइनस 2 ऐसा दिया गया है। अब हमेशा याद रखो टू स्टेप्स आर देयर, दो ही टर्म दिए हुए हैं और पावर 3 से ज्यादा है, 4 5 वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट फाइव जो भी पावर हो, जब ऐसा सम हो ना तो अब जो सिखा रहा हो वो करना है, काम खत्म, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो x टेंस टू 5 लिखा माइनस माइनस, एक और बात याद रखना यहाँ पे x टेंस टू माइनस 2 है ना, ये जो पीछे वाला वैल्यू दिया होगा वो माइनस 2 का 5 पावर होता ही होगा, क्योंकि पावर जब ज्यादा है तो दो टर्म में पीछे वाले टर्म में ऐसा होता ही है। तो ये देखो माइनस 2 है यहाँ पे तो माइनस 2 का 5 पावर लिख, मिडिल साइन माइनस रखना है, डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 एज इट इज। और एक बात जो ध्यान से करना है वो ये पावर 5 सेम हो गया और जो बेस है वो नीचे होना चाहिए एक्स माइनस 2, ये बेस हमारे नीचे ऑलरेडी है। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन मेथड से, ये पावर को आगे लिखो राइट पावर इनटू मल्टीप्लिकेशन, जब आपको ये पावर सेम हो मिडल में माइनस साइन हो तब ये कर सकते हैं। पावर आगे लिखा 5, पावर में से एक माइनस किया 4, माइनस 2 का 4 पावर करोगे आंसर 16, प्लस में आएगा 16 फाइव 80, सम खत्म, 2 मार्क्स आपके, बहुत आसान है 2 मार्क का क्वेश्चन है। और अब लास्ट सम लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, ऊपर नीचे दिया है माइनस 3 रखोगे 0.0 आंसर आ रहा है, मुझे करना है फैक्टराइजेशन, क्यों 0.0 है इसलिए, इसमें भी डायरेक्ट सर x टेंड्स टू माइनस 3 है माइनस 3 का साइन चेंज करो x प्लस 3 x प्लस 3 कॉमन निकला। अब सोचते हैं डायरेक्ट कैसे, सर ये x कॉमन यानी ये 3x स्क्वायर में से x कॉमन निकला बचा 2x, प्लस 3 में से प्लस 3 कॉमन निकला प्लस 1, ये हो गए फैक्टर, डिवाइड बाय नीचे देखो 3x स्क्वायर में से x कॉमन निकला 3x, माइनस 3 में से प्लस 3 कॉमन निकला माइनस 1, x प्लस 3 x प्लस 3 कैंसिल, अब माइनस 3 अंदर रख दो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 सॉल्व करो 1/2 आंसर, सम खत्म, 4 मार्क्स आपके। स्टूडेंट्स ये जो फैक्टराइजेशन आपको सिखा रहा हूं आज तक बहुत कम स्टूडेंट्स को सिखाया है, और ऑनलाइन में तो आप लोगों को फ्री सिखा रहा हूं, कोई टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, अच्छी तरीके से सॉल्व करो और फुल मार्क्स ले जाओ, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय बाय। हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिफरेंशिएशन, उसमें भी 2 मार्क और 4 मार्क दोनों में समान है, और आज हम जो करने जा रहे हैं वो ट्राई तो ऐसा कर रहे हैं कि 4 और 2 जो भी है सब कवर हो जाए, वो भी आराम से, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे और रूल की बात भी नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करते जाऊंगा सम होता जाएगा और मैक्सिमम सम यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। देखो ध्यान से मार्च 18 और मई 21 दोनों में एक सम पूछा था जो सेम था, तो क्या है ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दिया है फाइंड एक्स व्हेन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये बोल रहा है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 है तो एक्स का वैल्यू फाइंड करो। अब डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। तो देखो ध्यान से ये जो पावर है x स्क्वायर दिया है ना, तो ये पावर को मल्टीप्लिकेशन में लिखो, तो ये 2 को आगे मल्टीप्लिकेशन में लिखा, देखो f डैश x मींस पावर को आगे लिखा 2 और पावर में से एक माइनस किया यानी 2 माइनस 1 1 हो गया, तो पावर को मल्टीप्लिकेशन में लिखो पावर में से एक माइनस करो और x एज इट इज, ये हो गया हमारा एक आंसर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, माइनस 1 माइनस x है तो x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब एक पावर है वो एक को आगे लिखो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक आगे लिखो एक में से एक माइनस करो तो 0, तो आंसर हो गया 1, कोई भी वैल्यू है उसका पावर 0 है तो आंसर आता है 1, सो x is to 1 है तो उसका आंसर हो गया नेट 1, और प्लस 3 उसके साथ x है ही नहीं, अब जिसकी लाइफ में ही x नहीं है
उसका डेरिवेटिव जीरो। लाइफ की बात यानी यहाँ पे थ्री के साथ एक्स मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए तो कुछ करता, यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो जो कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव होता है जीरो, तो यहाँ पे थ्री का डेरिवेटिव जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एफ डैश एक्स कैसे मिला, स्टार्टिंग पॉइंट है तो ध्यान से सिखा रहा हूँ। पावर आगे टू एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन, ये हो गया एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो बताया गया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखा। टू एक्स माइनस वन एज इट इज, ये माइनस वन का साइड चेंज करो तो माइनस को सामने ले जाएंगे प्लस होगा, वन इज इक्वल टू टू एक्स, टू को नीचे ले जाओ वन अपॉन टू, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू के लिए ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। काम खत्म, टू मार्क्स आपके। इतने आसान सब तो कर लो, कोई बोलते हार्ड चैप्टर है, जो हार्ड है उसको छोड़ देना, आसान चीजें कर लो। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक और सम मैंने लिया है जो मार्च 20 में पूछा गया है, उसमें क्या बताया, ये फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू फाइंड करना है, बताया है f डबल डैश x इज इक्वल टू 52, यहाँ पे एक बार डैश था यहाँ पे दो बार डैश है, बस इतना ही फर्क है। तो फिर से डेरिवेटिव करते हैं, देखो एक बार डेरिवेटिव f डैश x यानी एक बार, ये 3 को आगे लिखो तो 4 3 से 12 हो जाएगा, 3 में से एक माइनस करो 2 हो गया तो 12x स्क्वायर, 2 को आगे लिखो 2 2 4 4x 7x, x का हो गया 1 7 as it is, और प्लस 9 कांस्टेंट, इसके साथ x नहीं है तो 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया एक बार डैश f डैश x खत्म। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करो डबल डैश x, इसको फिर से डेरिवेटिव करना है, 12 2 2 24 2 minus 1 x हो गया, 4x का 4 हो गया, तो ये हो गया डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू बोला है, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 52, तो ये बराबर 52 लिखेंगे, ये एज इट इज लिखा और x का वैल्यू फाइंड कर लो, ये 4 सामने गया, 54 माइनस 4 इज इक्वल टू 24x, 48, 24 का साइड चेंज करो, x इज इक्वल 48 अपॉन 24, आंसर इज 2। काम खत्म, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन। अब इसमें और इसमें फर्क क्या था, फाइंड तो डैश ही करना था, यहाँ पे एक बार करके कंपेयर करो, यहाँ पे दो बार करने के बाद कंपेयर करो और एक्स का वैल्यू फाइंड करो। तीसरी बार कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए जुलाई 18, जुलाई 19, अगस्त 20, मार्च 22, चार बार ये सम आ चुका है, ये दोनों में और इसमें डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे बताया एफ एक्स फंक्शन दिया है, एफ डबल डैश जीरो फाइंड करना है, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू नहीं दिया है। देखो कैसे करते हैं, ये जो दिया है उसका पहले डेरिवेटिव करेंगे, देखो 4 आगे, 4 में से एक माइनस, 4x क्यूब माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर, 3 2 जा 6x प्लस 1 एज इट इज नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अच्छा हाँ, x का डेरिवेटिव होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 तो प्लस 1, यहां तक हो गया काम हमारा। अब डबल डैश जीरो, ये एफ डैश एक्स का फिर से डबल डैश करो, इसका फिर से डेरिवेटिव 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर 24 एक्स प्लस 6, ये हो गया डबल डैश। अब ये दोनों सम में क्या था, उसका वैल्यू दिया था, ये 0 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, f डबल डैश x इक्वल टू 52, यहाँ पे तो f डबल डैश 0 यानी x की जगह पे 0 रखना है, ये जो x है वहां पे रखना है 0, तो यहाँ पे जहां पे भी x दिखा वहां पे 0 रख दिया। अब सोचो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, बचा 6, 6 इज माय आंसर, 2 मार्क योर। अब सोच लो इतनी सारी बार सम पूछा गया, क्या ये आसान सम नहीं कर सकते। दूसरी एक बात, 1 मार्क में भी आता है, ध्यान रखना है हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, हम तो सेक्शन सी डी और ई के बारे में ही बात कर रहे हैं, बाकी सब तो छोड़ दे रहे हैं, वहां पे भी आने वाला तो है ही, तो ये सेम टाइप का लगता है अलग अलग वो सिखाना था। अब थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, मार्च 18 में एक सम पूछा गया है, उसके जैसा अगस्त 20 में भी है, मैंने 18 करवाया 20 आपको आ जाएगा। अब देखो क्या दिया है, f of x is equal to root x square plus 5, इतना आपको दिया गया है, f of x is equal to root x square plus 5। अब समझना क्या है वो समझो, अगर root में x है तो उसका अगर डेरिवेटिव करना हो तो 1 upon 2 root x आप याद रख सकते हो, सिर्फ root x हो तो
अब मेरी लैंग्वेज में मैं क्या बोलता हूं, ये रूट एक्स नहीं है लेकिन एक्स का पूरा फैमिली है, यानी फंक्शन है, रूट में फंक्शन है। रूट एक्स होता तो 1/2√x आंसर होता, लेकिन ये रूट में फंक्शन है। जब फंक्शन है यानी कि एक्स का पूरा फैमिली है तो फॉर्मूला में थोड़ा चेंज होता है, फैमिली को बना दो यू, उसको एज्यूम कर लो कि ये फैमिली यू है और यू को अलग लिखा, देखो यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 मैंने एज्यूम किया, तो यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज्यूम कर लिया। अब ये एफ एक्स है तो एफ एक्स क्या बन गया, तो एफ यू बन गया क्योंकि एक्स को मैंने यहाँ पे यू एज्यूम कर लिया, फैमिली को यू एज्यूम कर लिया, तो एफ यू इज इक्वल टू रूट यू, रूट में रहेगा यू। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन था फैमिली था उसको मैंने यू एज्यूम कर लिया, तो एफ यू इज इक्वल टू रूट यू। अब ये दोनों का करेंगे डेरिवेटिव। जब आप फैमिली को यू एज्यूम कर लेते हो तो हम लोग क्या करेंगे उसको डेरिवेटिव, तो यू इज इक्वल टू ये है, इसका डेरिवेटिव एक्स को ध्यान में रखे करेंगे तो 2x² का होगा 2x, 5 का हो जाएगा 0। यहाँ पे एफ डैश यू करना है, अब रूट यू है तो 1/2√u, रूट एक्स होता है जैसे रूट एक्स का 1/2√x, यहाँ पे रूट यू है तो 1/2√u। अब ये दोनों चीजें मिल गई, बस सिंपल है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, डीयू डीएक्स एफ डैश यू, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू 1/2√u, 2 कैंसिल, एक्स अपॉन रूट यू, रूट यू, यू मतलब ये एज्यूम किया था वो वापस वैल्यू रख दिया, x² प्लस 5 इज यू, यहाँ पे रख दिया, ये हो गया फाइनल आंसर। मार्क्स आपके एकदम आसान क्वेश्चन है, अगस्त में भी रूट वाला ही है, एज्यूम यू करो, सम कर दो, काम करता हूँ, आगे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट मार्च 19 में एक और सम जिसमें फिर से ये फैमिली का 8 पावर है, अगर x रेस टू 8 होता तो 8x रेस टू 7 करता, लेकिन यहाँ पे x का पूरा फैमिली है जिसको हमने u एज्यूम कर लिया, u इज इक्वल टू 3x प्लस 7 और y इज इक्वल टू u रेस टू 8, बिकॉज ये हो गया u तो u रेस टू 8। इसमें भी क्या करना है, दोनों का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव 3x का 3 प्लस 7 का 0 हो गया, डिवाइड u का हो गया, u को आगे लिखो 8 - 1 = 7, 8u = 7। अब ये दोनों मिलकर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वही मल्टीप्लिकेशन मेरा आंसर रहेगा, 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 8u 7, 8 3 = 24, u जो था वो था मेरा 3x + 7, लिखा 3x + 7 = 7, काम खत्म। तो स्टूडेंट्स जो समझने की बात है वो बहुत खास है कि जब भी फैमिली के साथ एक्स आता है तो उसको यू एज्यूम करके सम को आसान बनाया जा सकता है, जो यहां पे सिखाया। आगे बात करेंगे मार्च 19 में, अब ये थोड़ा हटके है, ये एक फैमिली लेके आ रहा था, अब दो दो फैमिली आ रही है एक्स की, यानी यहां पे मल्टीप्लिकेशन है, देखो ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, अब जब दो फैमिली आएगी तो दो फैमिली को, एक फैमिली को यू एज्यूम करेंगे, दूसरी फैमिली को वी एज्यूम करेंगे, तो आसानी से सम कर पाएंगे, तो यू हो गया ये, वी हो गया ये। अब जो दो फैमिली है और मल्टीप्लाई है तो उसकी फॉर्मूला है, बाद में डिस्कस करते हैं, पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। यू का डेरिवेटिव करो, 3 × 2 = 6x + 4, वी का डेरिवेटिव करो, 3 होगा। अब क्या करना है खास, जब मल्टीप्लिकेशन हो और मुझे डीवाई डीएक्स फाइंड करना हो तो यू का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव, अगर u डेरिवेटिव करते हो तो v कांस्टेंट और v डेरिवेटिव करते हो तो u कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब ये हो गया फॉर्मूला, इसमें वैल्यू डाल दो, काम खत्म हो जाएगा। v सर ये रहा 3x + 2v, du dx ये फाइंड किया 6x + 4, u ये आया v 3। अब इसको सॉल्व करेंगे जो आपको आता है मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 20x² + 27x² + 36x + 2, ये हो गया आपका डीवाई डीएक्स, काम खत्म। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है और दो फैमिली एक साथ आ रही है तो यू भी एज्यूम करके मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं, यही डिवीजन रूल भी है, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, करना यही है, मिडल साइन माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई वी स्क्वायर, डिवाइड है तो डिवाइड वी स्क्वायर, बस ये ऊपर का सेम रहेगा, डिवाइड बाय, अच्छा ऊपर ये माइनस साइन आएगा
और नीचे डिवाइड बाय वी स्क्वायर करोगे जो आंसर आया वो आपका डिवीजन रूल। अगर ये डिवीजन में होता यू और वी यानी ऊपर नीचे होता तो की बात है, वरना तो हो गया सम खत्म। और लास्ट सम जो करवाने जा रहा हूं ये मार्च 19 मई 21 में पूछा गया है। बाकी के इयर्स में भी ऐसा सम पूछा गया है, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे आपको फंक्शन दिया है और बोला है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जबकि बाकी के जो सम है उसमें बोला है फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, फाइंड मिनिमम कॉस्ट। अब उसमें जो फंक्शन होता है वो कॉस्ट फंक्शन होता है, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट ढूंढना पड़ता है, प्रॉफिट फंक्शन ढूंढ लो उसको कर दो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना आ गया तो वो तो आ ही जाएगा। जो है एक भी यार ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा सम ना हो, तो मैक्सिमम मिनिमम आ गया, बाकी के सब सम आ जाएंगे। तो देख लो क्या है, ये फंक्शन दिया है, इसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो पहली बार जब भी ऐसा बोल रहे हैं ना, एक बार डेरिवेटिव कर लो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 3 × 6x² 3 × 6x − 36 ये हो गया जीरो, नहीं करना तो यहां तक खत्म हो गया, ये एक बार डेरिवेटिव। अब एक बार डेरिवेटिव करने के बाद उसको जीरो के साथ कंपेयर करो और x का वैल्यू फाइंड करो। तो इसको मैंने जीरो के साथ कंपेयर किया और x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका मैंने कर दिया फैक्टराइजेशन, तो 6 कॉमन निकाला, तो 6 कॉमन निकाला तो हो गया 0, x² + x − 6 आंसर इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन आपको सिखा चुके हैं लिमिट में, 6 × 6 के दो पार्ट करने हैं, तो मैंने 3 × 6 कर दिया, 3x − 2x आंसर आया 1x, तो इसके दो पार्ट हो गए, x² as it is − 6 as it is। ये है फैक्टराइजेशन, मैनअप नहीं कर रहे, फैक्टराइजेशन का लेक्चर लग है, देख सकते हो। अब इसमें से x कॉमन x + 3 −2 कॉमन x + 3 x + 3 x − 2 इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0, x − 2 इज इक्वल टू 0, x = −3 x = 2 ये मेरे x के दो वैल्यूज। अब ये x के वैल्यू जो है उसको मैं डबल डैश डेरिवेटिव में रखूंगा, इसका फिर से डेरिवेटिव करो, 6 × 12x + 6 अब इसमें x = −3 x = 2 रखो, वैल्यू आया −30 + 30 −30 यानी लेस देन 0। तो इससे मुझे ये पता चला कि x का वैल्यू −3 अगर ये फंक्शन में रखेंगे ओरिजिनल में तो आंसर आएगा मैक्सिमम, अगर x = 2 ये ओरिजिनल फंक्शन में रखेंगे तो आंसर आएगा मिनिमम, क्योंकि 30 < 0 है, ये खास ध्यान रखना है। अगर ये माइनस में आंसर आता है वैल्यू रखने से तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, प्लस में आंसर आता है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ये ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, x = −3 ये फंक्शन में रख दो, तो लिखा यहाँ पे f − 3 − 3³ − 3² − 3 + 10 ये सॉल्व करो आंसर आएगा 91। सेम वे 2 रखो, x replace by 2 आंसर आएगा −34। ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू, हर साल पूछा गया है, सिर्फ तरीका क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट तो प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करके मैक्सिमम प्रॉफिट कर लो, मिनिमम कॉस्ट कॉस्ट फाइंड करके मिनिमम कॉस्ट बना लो, तो उसमें कुछ एक फाइंड करना है, ये दोनों है। यहाँ पे हमारा लिमिट खत्म, आपके मार्क्स फिक्स, मेहनत थोड़ी आप भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका लास्ट डे स्टैटिस्टिक्स सेक्शन सी डी और ई जो हमने डिसाइड किया है वो खत्म, आज का लास्ट डे, फिर आप मार्च की एग्जाम के लिए जोरदार तैयार। तो शुरू करते हैं ये दिन और बेस्ट लेक्चर, July 18, 19, August 20, March 22 चार बार ये सम पूछा गया है डिफरेंशिएशन में। अब डिफरेंशिएशन में जो लास्ट टाइम करवाया वही है लेकिन थोड़ा डिटेल में, क्या प्रैक्टिस 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 करेंगे तो आज फिक्स 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स हो ही जाए। इवन MCQ और VSQ में जो 1 मार्कर क्वेश्चन है ना वो तो आ ही जाएंगे। देखते हैं क्या दिया है, सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज, सम में दिया है सेलिंग प्राइस 20 रुपीज, फिर कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, एंड कॉस्ट फंक्शन आल्सो गिवन, उसका जो कॉस्ट है वो दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, अब बोला है मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करो, एक्चुअली फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स हाउ मेनी यूनिट प्रोड्यूस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, ये क्वेश्चन है। और आपको पता है मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम फाइंड कैसे करते हैं, मिनिमम फाइंड कैसे करते हैं, वो लास्ट टाइम सिखाया है, लास्ट लेक्चर में सिखाया है, अब हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो पहला काम रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी इनकम, इनकम कैसे होती है,
तो प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो प्राइस और डिमांड दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलता है रेवेन्यू। तो ये R is equal to P into X, P means price, X means demand, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे मेरे पास प्राइस है, सेलिंग प्राइस 20, तो 20x that is my revenue, इतना मेरा रेवेन्यू फंक्शन बन गया, ये बना रेवेन्यू फंक्शन। मुझे यहाँ चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फंक्शन चाहिए भाई। तो प्रॉफिट फंक्शन यानी क्या, रेवेन्यू यानी इनकम, उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो, तो ये रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करो आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। पहले फंक्शन चाहिए, तो देखो आर माइनस सी, आर मीन्स 20x माइनस सी मीन्स ये पूरा का पूरा फंक्शन। याद रखना माइनस है तो माइनस के बाद सब ब्रैकेट में लिखा है। अब आगे जाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1000 माइनस 16.5x माइनस 0.01x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 20x माइनस 16.5x 3.5x माइनस 1000 माइनस 0.01x स्क्वायर, ये हो गया मेरा प्रॉफिट फंक्शन B। अब इसको मुझे करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम करने का मेथड तो एक ही है, पहले जो भी फंक्शन को मैक्सिमम करना है उसका डेरिवेटिव कर ला दो। तो डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो 3.5x, x का डेरिवेटिव 1 होता है 3.5 एज इट इज, 1000 x है ही नहीं तो 0, उसका डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0.01 इंटू 2 0.02 रेस टू 1 हो जाएगा 2 माइनस 1 राइट, पावर इंटू मल्टीप्लीकेशन सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर x। अब x ढूंढना है इज इक्वल टू 0 करके, क्योंकि मुझे कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम है वो ढूंढना है, कौन से प्रोडक्शन करना, कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब इसको मैं माइनस को सामने ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये 0.02 को नीचे ले जाओ 3.5 अपॉन 0.02 आंसर इज 1750, x इज इक्वल टू 1750। अगर मैं 1750 का प्रोडक्शन करूं तो ये जो हमारा प्रॉफिट है कहां गया, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मैक्सिमम है कि मिनिमम वो पता नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन x इज इक्वल टू 1750 आया। इसका वैल्यू इसमें डालूंगा तो क्या होगा वो मुझे ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से डेरिवेटिव करो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें ये वैल्यू डाल देंगे। लेकिन जब मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, देखो 3.5 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 0.02 एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 0.02 एज इट इज, जो 0 से कम है, एक्स डालने का ऑप्शन ही नहीं है, क्यों, एक्स है ही नहीं, 0 से कम आंसर आया यानी मैक्सिमम मिलेगा, कंफर्म मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 1750, अगर ये प्रॉफिट फंक्शन में रखता हूं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, रख दो। अब इस पे 1750 डाल दो, 3.5 इंटू 1750 रखा, 3.5 इंटू 1750 माइनस 1000 माइनस 0.01001 1750 स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है तो 1750 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 1750 इंटू 3.5 6125, 1750 स्क्वायर इंटू 0.001 3062.5, अब ये सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2062.5, ये आया मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी अगर मैं इतना प्रोडक्शन करूंगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट इतना मिलेगा। काम खत्म, सम खत्म, 4 मार्क आपके। अब इसी की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अलग अलग टाइप के सम लिए, एक जैसा नहीं है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम रेवेन्यू, मिनिमम कॉस्ट, सब कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सम देखो, यहाँ पे क्या बोला है, मार्च 18 में पूछा गया है, कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, रेवेन्यू डायरेक्टली गिवन, यहाँ पे रेवेन्यू ढूंढना था ना, यहाँ पे दे दिया है, फाइंड एक्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, क्वेश्चन वही है मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू दे दिया है, यहाँ पे रेवेन्यू फाइंड किया। अब मुझे क्या चाहिए, आर माइनस सी डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू दिया है, तो आर है 3x माइनस कॉस्ट फंक्शन, माइनस साइन अंदर गया, माइनस 100 माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर, ये जो मिला वो है मेरा प्रॉफिट फंक्शन, इसको करना है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम करना है तो एक बार डेरिवेटिव कर दो, 3x का डेरिवेटिव 0.015 into 2 0.03x, ये हो गया मेरा डेरिवेटिव, ये प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करो, x का वैल्यू फाइंड करो, तो ये जो है 3 एज इट इज, ये माइनस को सामने ले जाओ, प्लस 0.03x, नीचे 3 अपॉन 0.03 आंसर 100, x इज इक्वल टू 100 आया। अब ये 100 रखने से ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, वो पता नहीं है, जो अब ढूंढना है, इसका फिर से डेरिवेटिव करो, सर आंसर आया माइनस 0.03, 0 से कम है, इसका मतलब मैक्सिमम मिलेगा।
एक्स का वैल्यू 100 रखेंगे तो ये जो प्रॉफिट फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, सम खत्म, यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट मार्च 19 में पूछा गया है, उसमें आपको पी 6000 माइनस 2x, पी मीन्स प्राइस दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन है, यहाँ पे अगर x का वैल्यू डालेंगे तो मुझे पता चलेगा कितना प्राइस रखेंगे तो चलेगा, ये प्राइस फंक्शन, डिमांड फंक्शन। मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड करो, देखो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट था, यहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब पी इंटू एक्स, पहले ही बताया, कर लो पहले, आर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। अब इसमें पी इज इक्वल टू ये है, प्राइस ऐसे दिया है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे प्राइस था 20 रुपीज, प्राइस यहाँ पे प्राइस फंक्शन है, तो ये रखा, उसको x से मल्टीप्लाई किया, 6000 इंटू एक्स 6000x माइनस 2x2, ये आया रेवेन्यू, ये रेवेन्यू को करना है मैक्सिमम, यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमम करना था, यहाँ पे रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है। अब जिसको मैक्सिमम करना है उसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करो, 6000x का होगा 6000 माइनस 2x2 होगा, 2x2 का होगा 4x, इसको जीरो के साथ कंपेयर करो, x का वैल्यू फाइंड करो, माइनस 4x साइड चेंज, प्लस 4x, 4 साइड चेंज, 6000 अपॉन 4, आंसर 1500। तो ये x इज इक्वल टू 1500 मिला, इसके लिए मैक्सिमम होगा कि मिनिमम वो पता नहीं है, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चलेगा, इसका फिर से डेरिवेटिव करो, 6000 का 0 माइनस 4x का माइनस 4, सर 0 से कम आंसर आया, सेकंड ऑर्डर का मैक्सिमम मिलेगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1500 अगर मैं ऊपर फंक्शन में रखूंगा तो क्या होगा मैक्सिमम, तो ये यहां पे x इज इक्वल टू 1500 रखो, 1500 इंटू 6000, 1500 स्क्वायर इंटू 2, सॉल्व करोगे आंसर आया 45 लाख, ये 45 लाख इज रेवेन्यू, इतना रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। दूसरा प्राइस फाइंड करो, प्राइस कितनी रखेंगे, ये जो प्राइस फंक्शन है ना उसमें x इज इक्वल टू 1500 रख दो, तो रखा 6000 as it is minus 2 as it is, x is equal to 1500. 1500 into 2, 3000, 6000 minus 3000, answer is 3000. So, अगर price 3000 है और मैं 1500 unit sell करता हूं तो मेरा जो revenue होगा वो 45 lakh होगा. That's it. 4 marks आपके. सब एक ही type के sum है, practice sum है, लेकिन concept में थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसलिए लिया है. जैसे आपका concept clear तो मेरे marks fix, आपके marks यानी मेरे marks. लास्ट सम मार्च 22 में पूछा गया है, जिसमें कॉस्ट फंक्शन दिया है और बोलते हैं मिनिमम कॉस्ट फाइंड करो, ये सब जुलाई में भी पूछा गया है। अब बात करते हैं आगे, कॉस्ट को मिनिमम करना है तो आगे कुछ ढूंढना ही कहा है भाई, नहीं रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट, सीधा इसी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बना दिया 10 2 20x माइनस 1000, ये 0 इज इक्वल टू 0 करके कंपेयर करेंगे एक्स के लिए, ये साइड चेंज करो 1000, 20 चेंज करो 1000 अपॉन 20, आंसर इज 50, तो x इज इक्वल टू 50 आया, लेकिन इसके लिए मिनिमम के मैक्सिमम वो पता नहीं है, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चलेगा, तो इसका फिर से डेरिवेटिव किया, 20x का आंसर आया 20, ये हो गया 0, 0 से बड़ा आंसर आया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मोर देन 0 मींस मिनिमम है, ये x का वैल्यू 50 यहां डालेंगे आंसर मैक्सिमम आए, ये बड़ा आया यानी वो मिनिमम है। देखो सब में यहाँ पे क्या था, माइनस 4 लेस देन 0 आया मैक्सिमम, यहाँ पे क्या था लेस देन 0 आया मैक्सिमम, यहाँ पे क्या था लेस देन 0 आया मैक्सिमम, यहाँ पे मोर देन 0 आया मिनिमम। इसका मतलब ये है ये 50 का वैल्यू कॉस्ट फंक्शन में डालेंगे मिनिमम कॉस्ट मिलेगा, 50 डाल दो, 50 से सॉल्व किया 25000 आंसर है। बस अब मैं कमल सर की तरफ से बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक, सेक्शन सी डी ई 60 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आपके, ये लेक्चर सब देखने के बाद, एग्जाम दोगे तो पता चल ही जाएगा, बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मिलते हैं, अगर लिखा होगा तो अच्छा आगे भी पढ़ेंगे, बाय बाय।